ओके सो गुड मॉर्निंग पीपल, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिसका भी जब बैच चल रहा है उसके हिसाब से. तो होप सो आप अच्छे रहोगे. सो फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक इंटरनेशनल टैक्सेशन में ट्रांसफर प्राइसिंग. अब एक चीज समझना, ये ट्रांसफर प्राइसिंग टॉपिक है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंटरनेशनल टैक्सेशन पार्ट. जो तुम्हारा इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला पार्ट है उसमें से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है. अब आप बोलोगे सर ये कितना कवर करता है एग्जाम में, हमको ये तो बता दो ट्रांसफर प्राइसिंग नॉर्मली कितना कवर करता है. तो मैं सबसे पहले बात करता हूं कि ये जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं ये कितना कवर करता है आपके. तो ये टॉपिक पेपर नंबर 7, जिन लोगों का है सबका है पेपर नंबर 7, तो पेपर नंबर 7 मतलब डायरेक्ट टैक्स, ठीक है. इसमें जिन लोगों का ओल्ड सिलेबस है, ओल्ड सिलेबस में देखो इंटरनेशनल टैक्सेशन का कोई वेटेज नहीं है, बट इंटरनेशनल टैक्सेशन है, मतलब उसका स्पेसिफिक वेटेज नहीं. जैसे न्यू सिलेबस में क्या दे रखा है 30 मार्क्स का आएगा इंटरनेशनल टैक्सेशन, वैसे ओल्ड सिलेबस में उसका कुछ वेटेज नहीं है, बट तो भी ये वाला टॉपिक है वो अप्रोक्स 10 मार्क्स के करीब कवर करता है, 10 मार्क्स के करीब है वो. आपको ओल्ड सिलेबस पेपर नंबर 7 में यही टॉपिक मिलेगा. जब न्यू सिलेबस की बात करेंगे तो न्यू सिलेबस में क्या किया है कि इंटरनेशनल टैक्सेशन को 30 मार्क्स का बताया है उन्होंने. क्या हम इंटरनेशनल टैक्सेशन आपको 30 मार्क्स का पूछेंगे, तो 30 मार्क्स का जब बताया तो ये टॉपिक आपका 10 से लेके 15 मार्क्स है वो कवर करेगा न्यू सिलेबस में. लेकिन जो लोगों का पेपर नंबर 6 है, दैट इज इलेक्टिव पेपर, जो पेपर नंबर 6 इलेक्टिव पेपर जिन्होंने इंटरनेशनल टैक्सेशन लिया होगा, मैं बताऊं उस सिलेबस में उसमें ट्रांसफर प्राइसिंग जो 100 मार्क का पेपर है उस 100 मार्क में से 30 मार्क का सिर्फ ट्रांसफर प्राइसिंग है, मतलब ये टॉपिक. तो यही टॉपिक अगर आप पढ़ते हो ट्रांसफर प्राइसिंग, तो आपके पेपर नंबर 7 में यही टॉपिक जो 10-15 मार्क्स कवर कर लेगा, और जिन लोगों का इलेक्टिव में इंटरनेशनल टैक्सेशन है उसमें 30 मार्क्स आपको यही टॉपिक कवर करेगा. एक ही टॉपिक आपको 30 मार्क्स है वो कवर करेगा. एंड मैं बता दूं आईसीआई का अगर आप मटेरियल देखोगे तो 7वें पेपर में जो ट्रांसफर प्राइसिंग है पेपर नंबर 7 में, वो वाला ट्रांसफर प्राइसिंग और इलेक्टिव पेपर में ट्रांसफर प्राइसिंग दे रखा है, बोथ आर सेम, मतलब वर्ड बाय वर्ड सेम है, कहीं पे कुछ भी फर्क नहीं है करके, ठीक है. मतलब एक ही टॉपिक पढ़ने से आपको 10-15 तो पेपर नंबर 7 में मिलेगा, और यही टॉपिक पढ़ने से आपका इलेक्टिव पेपर जिन लोगों ने पेपर नंबर 6 ही लिया है इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला, उसमें 30 मार्क्स के करीब ये टॉपिक कवर करता है. तो चलो इस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं. आप में से कितने लोगों के ऑफिस में ट्रांसफर प्राइसिंग का काम किया, रेज योर हैंड. किसी ने नहीं किया करके, ठीक है. किसी ने ट्रांसफर प्राइसिंग का काम नहीं किया ऑफिस में, सब लोग बिग फोर में काम करते हैं और एक ने भी ट्रांसफर प्राइसिंग का काम नहीं किया. किसी ने किया, रेज योर हैंड. किया तो हाथ ऊपर करो बेटा, हाथ में क्या है. क्या हुआ. चलो ऑफिस में किया है काम, सर ने किया है, हमने नहीं किया करके, ठीक है. हम वही वाउचिंग वेरिफिकेशन वाले आर्टिकल है जो हम तिकड़ी मारते हैं करके, ठीक है. चलो सो स्टार्ट करते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग. और मैं बता दूं ये टॉपिक जो है ये इंडिया में 2001-2 के करीब आया, उससे पहले ये टॉपिक नहीं था. 2001-2 के करीब ये टॉपिक आया. सुनते जाओ चीजों को, बड़ी स्टोरी सुनाएंगे इस टॉपिक में करके, ठीक है. आपको अच्छा लगेगा ये टॉपिक, मजा आएगा आपको ये टॉपिक पढ़ने में. ये टॉपिक जो ट्रांसफर प्राइसिंग है ये 2001-2002 के करीब आया, उससे पहले ये नहीं था करके, ठीक है. अब हुआ क्या कि जैसे जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने लगी, जैसे बहुत सारी ऐसी एमएनसीज थी, मल्टीनेशनल ग्रुप थे, मल्टीनेशनल कंपनीज थी जिनका बिजनेस क्या होता था, बहुत सारी कंट्रीज में फैला हुआ है, 10-12 कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंपनी तो ऐसी है जिनका, जैसे यूनिलीवर है, तो यूनिलीवर का बिजनेस ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में है, हर जगह आप देखोगे तो यूनिलीवर की आइटम्स आपको मिलती है. तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग क्या करते थे, ऐसे ट्रांजैक्शंस को फ्रेम करते थे कि जिससे जिस कंट्री में टैक्स रेट ज्यादा है उस कंट्री से प्रॉफिट को निकाल के ऐसी कंट्री में वो प्रॉफिट को शिफ्ट कर देते थे जिस कंट्री में टैक्स है ही नहीं या टैक्स रेट बहुत कम है, जिसको टैक्स हेवन बोलते हैं. टैक्स हेवन किसको बोलेंगे, टैक्स हेवन इज अ कंट्री जहां पे बेसिकली या तो टैक्स लगता ही नहीं है या लगता तो बहुत कम रेट से लगता है, दैट इज कॉल्ड टैक्स हेवन. वी कैन टेक अ एग्जांपल ऑफ द स्विट्जरलैंड है.
या फिर जो साइप्रस करके जो कंट्री है या फिर जैसे दुबई है, तो यहां पे इनकम टैक्स लगता ही नहीं है करके, ठीक है, या बहुत कम रेट से लगता है, जैसे मॉरिशस है करके, ठीक है, तो मॉरिशस वगैरह में बहुत कम रेट से टैक्स लगता है। तो ये लोग क्या करते थे, ऐसी कंट्री से जो प्रॉफिट जहां पे ज्यादा टैक्स रेट है वहां से उस प्रॉफिट को शिफ्ट करके ऐसी कंट्री में शिफ्ट कर देते थे जहां पे टैक्स हेवन है, मतलब टैक्स रेट या तो बहुत ही कम है या टैक्स है वो लगता ही नहीं है। जब ऐसा करते थे तो अपना जो इंडिया का जो टैक्स बेस है वो हिल जाता था, इंडिया में टैक्स का लॉस होता था। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे लॉस हो जाएगा इंडिया में करके, ठीक है, चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मल्टीनेशनल कंपनीज है वो बेसिकली कैसे करती थी करके, ठीक है। आई कैन टेक वन एग्जाम्पल ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी। एक मल्टीनेशनल कंपनीज है यूनिलिवर लिमिटेड, ये तुम्हारा इंडिया है मान लो, ठीक है, ये इंडिया है, ये तुम्हारा फॉरेन है, फॉरेन में मान लो ये यूएसए है। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, एक बार एग्जाम्पल के लिए समझो कि यूएसए में टैक्स रेट है वो 30%, सॉरी यूएसए में टैक्स रेट है वो सपोज टैक्स रेट 10% है। एक एग्जाम्पल के लिए समझो कि यूएसए में टैक्स रेट है वो 10% है और इंडिया में टैक्स रेट है वो 30% है। यूएसए में टैक्स रेट इज 10%, इन इंडिया टैक्स रेट इज 30%। एक कंपनी है जिसका नाम है मान लो, इंडिया में जो कंपनी है उसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलिवर लिमिटेड। मैं बताऊं ये जहां जहां जाते हैं उस कंट्री का नाम लगाते हैं, बट बेसिकली ये कंपनी मान लो यूएस बेस्ड कंपनी है, ये यूएसए में चलाते हैं यूएसए यूनिलिवर लिमिटेड, पाकिस्तान में पाकिस्तान यूनिलिवर लिमिटेड, श्रीलंका में श्रीलंका यूनिलिवर लिमिटेड, ठीक है, ये ऐसे चलाते हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलिवर लिमिटेड एक इंडिया का कंपनी है जो अपना इनकम इंडिया में टैक्स भरेगा, लेकिन ये सब्सिडरी कंपनी है किसकी, यूएसए यूनिलिवर लिमिटेड की। अब एक चीज समझना होता क्या है, जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, आपको पता रहेगा हिंदुस्तान यूनिलिवर का एक प्रोडक्ट आता है दैट इज फेयर एंड लवली। क्या नाम आता है, फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली मल्टीविटामिन, जैसे आपने सुना होगा करके, ठीक है, जो अपने इंडिया में बहुत चलती है करके, ठीक है, कितने बिलियन का चैलेंज वैलेंज भी वो लोग देते हैं करके आजकल, हाँ, तो जो फेयर एंड लवली चैलेंज है, फेयर एंड लवली है, वो बेसिकली अपने इंडिया में बिकती है जिसको हिंदुस्तान यूनिलिवर लिमिटेड बेचती है। अब एक बात समझना, सपोज ये फेयर एंड लवली है ना, ये इंडिया में नहीं बनती, ये सपोज यूएसए में कचरे को रिसाइकल करके बनाते हैं, तो सपोज ये यूएसए में बनती है और वही फेयर एंड लवली इंडिया में इंपोर्ट की जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि फेयर एंड लवली जो बनती है वो फेयर एंड लवली बेसिकली यूएसए में बनती है और यूएसए से इंडिया उस फेयर एंड लवली को इंपोर्ट करता है। मतलब जो इंडिया की कंपनी है, देखो यूनिलिवर ग्रुप एक ही है मल्टीनेशनल, ये लोग क्या करते हैं हर कंट्री में अपनी सब्सिडरी बना के रखते हैं, तो हर कंट्री में सब्सिडरी बना के रखते हैं, तो उन्होंने क्या किया, वो फेयर एंड लवली है वो फेयर एंड लवली इंडिया में उन्होंने इंपोर्ट की, इंडिया में एचयूएल ने इंपोर्ट की यूयूएल से, ठीक है, जो कि होल्डिंग सब्सिडरी है। अब एक चीज समझना होता क्या है, जो फेयर एंड लवली है जिसकी सही प्राइस होनी चाहिए थी इनके बीच में ट्रांजेक्शन की, वो बेसिकली 1 लाख ही होनी चाहिए थी, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इस 1 लाख पे नहीं लाते, ये ट्रांजेक्शन को मैनिपुलेट करते हैं, ये ट्रांजेक्शन को, क्योंकि होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी तो है, अपनी अपनी कंपनी तो है, अपना एक दूसरे से बहुत बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है, तो ये लोग क्या करते हैं, 1 लाख पे इस ट्रांजेक्शन को होना चाहिए था, अगर से इसकी मार्केट वैल्यू देखी जाए, इसकी फेयर प्राइस देखी जाए, तो 1 लाख होनी चाहिए थी परचेज की प्राइस, इंडिया वाले इसको परचेज कर रही है, ठीक है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, उसको इन्फ्लुएंस करके इस प्राइस को बिलिंग करते हैं 5 लाख से। इन्होंने जो बिलिंग किया वो बिलिंग 5 लाख से किया, इंडिया का कंपनी हिंदुस्तान यूनिलिवर, यूएसए का कंपनी यूयूएल। सपोज ये यूएसए की कंपनी से फेयर एंड लवली इंपोर्ट करते हैं और वो इंपोर्ट करनी चाहिए, मतलब सही वैल्यू अगर देखे, सही उसकी मार्केट वर्थ, मार्केट वैल्यू अगर उस प्रोडक्ट की देखे तो 1 लाख ही होनी चाहिए, बट ये लोग 5 लाख पे परचेज करते हैं, बिलिंग है वो बिलिंग 5 लाख करते हैं। अब आप बोलोगे 5 लाख बिलिंग करेंगे तो उससे होगा क्या, एक बात बताओ, 5 लाख बिलिंग करेंगे तो मैं बोलूं इंडिया की कंपनी जो एचयूएल है वो क्या बताएगी, इसको परचेज बताएगी, हाँ भाई, तो इंडिया की कंपनी जब अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी तो इस चीज को यहां परचेज में बताएगी और परचेज में 5 लाख रुपीज लेगी, क्योंकि परचेज 5 लाख में किया, बिलिंग इज 5 लाख। एक बात बताओ, ऐसा परचेज 5 लाख करने से मैं बोलू इंडिया का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट किससे कम हो गया, 4 लाख से, हाँ भाई,
इंडिया का प्रॉफिट है, वो इंडिया का प्रॉफिट 4 लाख से कम हो गया, तो मैं बोलू इंडिया में टैक्स कितना 30% लगता है, तो मैं बोलू 1,20,000 है वो इंडिया में टैक्स आपने सेव कर दिया। अगर मैं इस मल्टीनेशनल ग्रुप की बात करूं तो इस मल्टीनेशनल ग्रुप ने क्या किया, 1,20,000 है वो 1,20,000 टैक्स इंडिया में सेव कर दिया। कैसे सेव किया, हाई वैल्यू पे परचेज बता के। अब एक चीज समझना, आप बोलोगे सर इंडिया के लिए परचेज है तो यूएसए के लिए ये सेल भी तो होगा। यस होगा, क्यों नहीं होगा। अब एक बात समझना, यूएसए में जब यूयूएल ने अपना पीएनएल बनाया होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते टाइम बाय साइड में सेल्स कितना बताया होगा, 5 लाख। मैं बोलू यूएसए में आपका प्रॉफिट कितने से बढ़ा, 4 लाख से बढ़ा। लेकिन मैं बोलू उधर टैक्स रेट कितनी है, 10%, तो टैक्स कितना भरना पड़ेगा, सिर्फ 40,000। हाँ भाई, मैं एक बात बताऊं, इस ग्रुप ने मिलके, ये जो ग्रुप है इसको नेट बेनिफिट टैक्स का कितना हो गया, 80,000। ये नेट बेनिफिट इसको टैक्स का हो गया 80,000। लोग ऐसा किया करते थे कि जैसे 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 ग्लोबलाइजेशन बढ़ने लगा, मल्टीनेशनल कंपनी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन करने लगी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने लगी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांजेक्शन करने लगी, तो वो लोग क्या करते थे, अपने ट्रांजेक्शन को ऐसा फिक्स करते थे कि जो प्रॉफिट ऐसी कंट्री में होता था जहां टैक्स रेट बहुत ज्यादा है, उस कंट्री से प्रॉफिट को निकाल के वो ऐसी कंट्री में शिफ्ट कर देते थे जहां पे टैक्स रेट बहुत ही कम है या जहां पे टैक्स रेट लगता ही नहीं है। जहां पे टैक्स रेट बहुत ही कम है या जहां टैक्स रेट लगता ही नहीं है, तो इंडिया में इस हिसाब से इंडिया को यहां 1,20,000 टैक्स का लॉस हो गया। इंडिया को 1,20,000 टैक्स का लॉस हो गया तो इंडिया वालों ने भी इंडिया में ट्रांसफर प्राइसिंग लॉ लाया। बोला आप ऐसे कैसे कर लोगे यार, मल्टीनेशनल कंपनीज है, अगर वो ऐसे अपनी मर्जी से ट्रांजेक्शन को करने लगी, मर्जी से ट्रांजेक्शन की वैल्यू फिक्स करने लगी, तो इंडिया में बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। और इसको ओवरराइड करने के लिए, ये जो प्लानिंग थी, इस प्लानिंग को ओवरराइड करने के लिए हमने इनकम टैक्स में ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन डाले। और ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन क्या बोलते हैं पता है, ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन ये बोलेंगे कि आपने जो ये बिलिंग 5 लाख पे बताई है ना, हम इसको 5 लाख पे नहीं लेंगे। आपने जो ये परचेज इंडिया के लिए जो कंपनी है HUL, ये HUL ने 5 लाख में परचेज किया है, इसको हम 5 लाख रहने नहीं देंगे, इसको हम वापस कितने पे लेके आएंगे, 1 लाख पे लेके आएंगे। इसको हम वापस से 1 लाख पे लेके आएंगे, और जो 1 लाख होगी, इस 1 लाख को अपन कौन सी प्राइस बोलेंगे पता है, आर्म लेंथ प्राइस। कौन सी प्राइस बोलेंगे, आर्म लेंथ प्राइस। आर्म लेंथ प्राइस का मतलब क्या होता है, सही प्राइस, फेयर प्राइस, ट्रू प्राइस, यही प्राइस होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड योर आर्म लेंथ प्राइस। तो देखो बेटा, जब भी आप कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करोगे तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में ये लोग क्या करते थे, ऐसे ट्रांजेक्शन करते थे जिससे कि इंडिया में टैक्स का लॉस होता था, और इंडिया में भारी लॉस होता था, इंडिया में जो टैक्स है उसका लॉस होता था, क्योंकि वो प्रॉफिट को ऐसी कंट्री में शिफ्ट कर जाते थे जहां पे टैक्स रेट या तो बहुत ही कम है या टैक्स हेवन है, वहां पे शिफ्ट कर जाते थे। तो हमने क्या किया, अपने इनकम टैक्स में ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड प्रोविजंस डाले, और ऐसे स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस डाले कि आप जो ये अगर बिलिंग आपने गलत प्राइस पे की, अगर आपने बिलिंग गलत प्राइस पे की, तो हम इसको आर्म लेंथ प्राइस पे लेके आएंगे, और खतरनाक इसमें पेनल्टी, इंटरेस्ट वगैरह भी, आपको बहुत सारी चीजें पेनल्टी वगैरह आपको देखने को मिलेगी, तो इसको हम वापस से सही प्राइस पे लेके आएंगे और उस सही प्राइस का नाम देंगे आर्म लेंथ प्राइस। हमने इनकम टैक्स में इससे रिलेटेड सेक्शन 92 इंसर्ट की। सेक्शन 92 है, वो सेक्शन 92 हमने इनकम टैक्स में इंसर्ट की, और सेक्शन 92 इंसर्ट की, और सेक्शन 92 अपन ने क्या किया, जो यूके का ट्रांसफर प्राइसिंग था एज इट इज वहां से कॉपी मारा और इंडिया में लाके उसको पेस्ट मारा करके, ठीक है, बट कहीं कहीं चेंज किया जहां पे जरूरी था करके, ठीक है। हाँ, तो हमने ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन इंसर्ट किए। अब देखते हैं क्या क्या, कैसे कैसे किया, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपको दे रखा है करके, ठीक है। ट्रांसफर प्राइसिंग क्यों लाया, तो देखो, ट्रांसफर प्राइसिंग वॉज इंट्रोड्यूस टू कर्व द टैक्स इवेजन प्रैक्टिसेस फॉलो बाय द मेनी मल्टीनेशनल ग्रुप्स हैविंग प्रेजेंस इन इंडिया। इनका इंडिया में प्रेजेंस है, वो लोग टैक्स इवेजन करते थे। दिस मल्टीनेशनल ग्रुप वुड नॉर्मली ट्रांसफर देयर टैक्सेबल प्रॉफिट अर्न इन इंडिया टू सम अदर कंट्री, मतलब इंडिया में जो प्रॉफिट कमाया वो किसी ऐसी कंट्री में ये शिफ्ट कर जाते थे वेयर द टैक्स रेट प्रिवेलिंग आर लोअर देन दोज विच आर प्रिवेलिंग इन इंडिया, मतलब इंडिया में जो टैक्स रेट है उससे कम रेट जिस कंट्री में होती थी उस कंट्री में ये ट्रांसफर कर जाते थे।
so that the overall tax liability of the multinational group as a whole at the international level would come down. जिससे कि multinational group का जो overall tax liability था वो कम हो जाता था. ये चाहिए तो फटाफट बनाओ, एक मिनट में फटाफट बनाओ इसको. कितने लोग स्टिल डूइंग रेज योर हैंड, सबका हो गया. चलो सो अभी तक मैंने आपको यह सिखाया कि भाई कैसे ये लोग प्लानिंग किया करते थे. अब एक बात समझना, एक 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 सेक्शन को एनालिसिस करते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं. जिन लोगों ने इलेक्टिव में इंटरनेशनल लिया है, भैया आप लोगों के लिए 30 मार्क्स का सवाल है, 30 और 45 और कितने सारे हो जाएगा तुम्हारे तो, ठीक है. हाँ, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करना एक एक चीज. सबसे पहली सेक्शन अपन पढ़ने वाले हैं, दैट इज सेक्शन 92. बोलो 92. 92 इज अ चार्जिंग सेक्शन. बोलो चार्जिंग सेक्शन. बोलो चार्जिंग सेक्शन. बेटा क्यों नहीं बोल रहे हो आप, मुंह में पत्थर डाले हुए हैं? बोला करो. जब बोला, जब बोलने को बोला है, बोलने का. हाँ, इधर सब लोग, ऑल पीपल्स, सब लोग इधर. एक बात बताओ, सबसे पहली चीज ट्रांसफर प्राइसिंग लगता कहां पे है? तो जैसा मैंने अभी तक आपको बताया कि ट्रांसफर प्राइसिंग बेसिकली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में लगता है. कहां लगता है? इंटरनेशनल. अब एक बात समझना, ट्रांसफर प्राइसिंग इंटरनेशनल में ही लगता था, इंटरनेशनल में ही लगता था, लेकिन बाय फाइनेंस एक्ट 2012, दैट टाइम अवर फाइनेंस मिनिस्टर वॉज द प्रणब मुखर्जी, और प्रणब मुखर्जी ने कुछ क्या किया, कुछ डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन को भी इसमें कवर कर दिया. डोमेस्टिक में क्या होता था पता है? जैसे मान लो एक मेरी कंपनी ऐसी है, एक इंडस्ट्री ऐसी है जिसको टैक्स हॉलीडे मिलता है, मतलब 10 साल तक उसको टैक्स भरना ही नहीं है, और दूसरी मेरी इंडस्ट्री ऐसी है जिसको टैक्स भरना है, तो मैं क्या करता था पता है? जिसको टैक्स नहीं भरना उससे मैं सेल करवाता था हाई वैल्यू पे, जिससे कि परचेज करने वाली इंडस्ट्री है उसको परचेज में हाई वैल्यू परचेज बताता था, जिससे कि उसको लॉस होता था और उधर प्रॉफिट आ रहा है तो उसको तो टैक्स भरना ही नहीं, टैक्स हॉलीडे है. तो लोग ऐसे ट्रांजैक्शंस भी करते थे जिसके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के साथ साथ इन्होंने ट्रांसफर प्राइसिंग को डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस में भी लगाया.
लेकिन हर डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन में नहीं लगता, कुछ डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन है लेकिन वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप यही समझोगे ट्रांसफर प्राइसिंग इज ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। अब एक चीज समझना, लॉ मेकर्स ये बोलते हैं, सेक्शन 92 आपको ये बोलेगी कि अगर आप कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हो, बोलो कौन सा ट्रांजेक्शन करते हो, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। आप अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हो और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अगर एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में, बोलो किसके बीच में है, एसोसिएट एंटरप्राइज, तो उस ट्रांजेक्शन को आपको आर्म लेंथ प्राइस पे लाना पड़ेगा। बोलो किस पे लाना पड़ेगा, आर्म लेंथ प्राइस। तो देखो बेटा, इफ देयर इज अ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इज बिटवीन एसोसिएट एंटरप्राइज, बोलो एसोसिएट एंटरप्राइज, तो उसको किस पे लाना पड़ेगा, आर्म लेंथ प्राइस। किस पे लाना पड़ेगा, आर्म लेंथ प्राइस। अब एक चीज समझना सर, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन बोलते किसको है, वो अपन सीखने वाले हैं सेक्शन 92B में। बोलो किस में सीखने वाले हैं, एसोसिएट एंटरप्राइज क्या होता है वो सीखने वाले हैं 92A में। बोलो किस में सीखने वाले हैं, 92A में। और आर्म लेंथ प्राइस का कंप्यूटेशन कैसे होगा वो अपन सीखने वाले हैं 92C में। तो देखो बेटा, सबसे पहली चीज सेक्शन 92 ये बोलती है, दिस इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर प्राइसिंग, यू कैन से दैट। ये सेक्शन ये बोलती है कि इफ देयर इज अ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, बोलो कौन सा ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, किसके बीच में है, एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में, तो उसको आर्म लेंथ प्राइस पे लाना। तो देखो ट्रांसफर प्राइसिंग तभी लगेगा जब एक तो क्या होना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, और दूसरा किसके बीच में होना चाहिए, एसोसिएट एंटरप्राइज। एक बात बताओ, एक बात समझना आप लोग, मैंने मान लो एक बंदा है जापान का, कहां का बंदा है, जापान का, जापान का एक बंदा है करके, ठीक है, उसका नाम है कुछ सैम करके, क्या नाम है, सैम। अब वो जापान का सैम से मैंने कोई मशीनरी खरीदी, मैं इंडिया का, मेरे को एक मशीनरी की जरूरत थी, मान लो मुझे रिकॉर्डिंग मशीन की जरूरत थी, मैंने जापान का एक सैम करके बंदा है उसको मैंने ऑर्डर दिया और उससे मैंने मशीनरी खरीदी। एक बात बताओ, हमारे बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है क्या उसमें इन्फ्लुएंस हो सकता है या नहीं, नहीं, मैं उसको जानता ही नहीं, वो मेरा कुछ लगता नहीं है करके, ठीक है। तो एक बात समझना, ट्रांसफर प्राइसिंग कोई हर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में नहीं लगेगा, कि कभी भी आपने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन किया, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन किया, आपको ट्रांसफर प्राइसिंग लग जाएगा, ना बाबा ना, ट्रांसफर प्राइसिंग आपको तभी लगेगा जब आप दोनों क्या हो, एसोसिएट एंटरप्राइज, क्या हो, और एसोसिएट एंटरप्राइज का मतलब होता है कि उसके बीच में और आपके बीच में कुछ है, क्या बोलेंगे, उसके बीच में और आपके बीच में कुछ है, और वो है क्या वो सीखेंगे अपन, ठीक है, मतलब उस प्यार, दोनों के बीच में प्यार है, और उस प्यार को कैसे जताएंगे, कब बोलेंगे तुम दोनों के बीच में प्यार है, वो अपन सीखेंगे। तो देखो बेटा, अपन पढ़ रहे हैं सेक्शन 92 एंड 92 इज अ चार्जिंग सेक्शन ऑफ द लाइक ट्रांसफर प्राइसिंग। सेक्शन 92 ये बोलती है कि अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है, बोलो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मतलब बाहर वाले ट्रांजेक्शन, बोलो बाहर वाले ट्रांजेक्शन, और बाहर वाले ट्रांजेक्शन मतलब 92B में दे रखा, किस में दे रखा है, बी, तो 92B मतलब बाहर वाले ट्रांजेक्शन। एसोसिएट एंटरप्राइज, एसोसिएट में ए आ रहा है, दैट इज 92A, और आर्म लेंथ प्राइस का कंप्यूटेशन कहां दे रखा है, 92C, तो कंप्यूटेशन मतलब 92C। तो देखो बेटा, सबसे पहले अपन सीखने वाले हैं 92B, बोलो 92B इज रिलेटेड टू द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, बोलो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। अब क्वेश्चन आता है कि सर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन किसको बोलेंगे, बोलो किसको बोलेंगे, तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मीन्स ट्रांजेक्शन बिटवीन टू और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज, क्या बोला मैंने, ट्रांजेक्शन बिटवीन टू और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज, एंड एटलीस्ट वन शुड बी नॉन रेसिडेंट, क्या बोला मैंने, एटलीस्ट वन शुड बी नॉन रेसिडेंट। वापस बोल रहा हूं, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मीन्स ट्रांजेक्शन बिटवीन टू और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज, क्या बोला मैंने, टू और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज, एंड एटलीस्ट वन शुड बी नॉन, एटलीस्ट एक बंदा क्या होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट होना चाहिए, तो उस ट्रांजेक्शन का नाम देंगे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन किसको बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मीन्स ट्रांजेक्शन बिटवीन टू और मोर एंटरप्राइज एंड एटलीस्ट वन शुड बी नॉन, जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक बात बताओ, किसी एक नॉन रेजिडेंट और किसी दूसरे रेजिडेंट के साथ में ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है या नहीं है, आंसर इज यस, इट इज अ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन।
अगर एक रेजिडेंट है और दूसरा भी रेजिडेंट है उसके बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्या यह इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है? आंसर इज नो, दिस इज नॉट ए इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। अगर एक एनआर है और दूसरा भी एनआर है, क्या वो ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है या नहीं? आंसर इज यस, इट इज इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दो, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इज अ ट्रांजेक्शन बिटवीन टू और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज। क्या बोला मैंने? मोर एसोसिएट एंटरप्राइज, एंड एटलीस्ट वन शुड बी नॉन रेजिडेंट, एटलीस्ट वन शुड बी नॉन रेजिडेंट। तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में ट्रांजेक्शन बिटवीन टू और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज एंड एटलीस्ट वन शुड बी नॉन, एटलीस्ट एक क्या होना चाहिए? नॉन। अब आप बोलोगे सर चलो पहले वाले में हम ट्रांसफर प्राइसिंग लगा रहे हैं, समझ आ गया, दूसरे वाले में नहीं लगेगा वो भी समझ आ गया, तीसरे वाले में सर दो एनआर एनआर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, हम क्यों बीच में उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं? अब जैसे एक बात समझो, हो सकता है कि किसी एक एनआर की इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो रही है, ऐसा हो सकता है किसी एक नॉन रेजिडेंट की इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो रही है, तो वो ट्रांजेक्शन भी क्या हो जाएगा? तुम्हारा इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। वो ट्रांजेक्शन भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। तो देखो बेटा अपन पढ़ रहे हैं 92, बोलो 92, और 92 ये बोलता है कि अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है किसके बीच में? एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में, उसको किस पे लाना पड़ेगा? आर्म लेंथ प्राइस। किस पे लाना पड़ेगा? आर्म लेंथ प्राइस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन? सो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इज अ ट्रांजेक्शन बिटवीन टू और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज एंड एटलीस्ट वन शुड बी नॉन रेजिडेंट, एटलीस्ट वन शुड बी नॉन रेजिडेंट। अब एक चीज समझना सर, ट्रांजेक्शन का मतलब कौन सा ट्रांजेक्शन? ट्रांजेक्शन सर सेल का या परचेज का? आंसर इज आइदर सेल का, आइदर परचेज का, आइदर प्रोविजन ऑफ सर्विस का। अगर प्रोविजन ऑफ सर्विस भी, देखो एसोसिएट एंटरप्राइज का मतलब क्या होगा आप अभी इतना ही समझ लो, जैसे होल्डिंग सब्सिडियरी। अब होल्डिंग सब्सिडियरी दे आर कॉल्ड एसोसिएट एंटरप्राइज, वो कैसे बनती है, क्या बनती है, वो अपन सीखेंगे। तो देखो बेटा समझने की कोशिश करना, ट्रांजेक्शन का मतलब क्या सर? कौन सा ट्रांजेक्शन जिसको आर्म लेंथ प्राइस पे लाना पड़ेगा? आइदर सेल का ट्रांजेक्शन, आइदर परचेज का ट्रांजेक्शन, आइदर प्रोविजन ऑफ सर्विस का ट्रांजेक्शन। अब प्रोविजन ऑफ सर्विस में क्या होगा कि जैसे इंडिया का कंपनी और फॉरेन का कंपनी है, वो सर्विस देना है, वो सबसे कम वैल्यू पे सर्विस देगा, जिससे क्या होगा, इंडिया की सेल्स कम हो जाएगी और इंडिया में प्रॉफिट कम होगा करके, ठीक है, ऐसा करेंगे। एज वेल एज देखो प्रोविजन ऑफ सर्विस, एज वेल एज लेंडिंग का ट्रांजेक्शन, एज वेल एज बोरोइंग का ट्रांजेक्शन करके, ठीक है, लेंडिंग बोरोइंग के ट्रांजेक्शन भी ट्रांसफर प्राइसिंग में कवर हो जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, जैसे मान लो एक मेरी दुबई की कंपनी है, एक मेरी इंडिया की कंपनी है, मेरे को इंडिया में मान लो कोई लोन लेना है, मैं अपनी दुबई की सब्सिडियरी से लेता हूं लोन और 20% इंटरेस्ट पे लेता हूं, जबकि यहां का मार्केट प्राइस 8% है और मैं 20% पे लोन ले रहा हूं, तो मैं डेबिट में खर्चा 20% बताऊंगा, ये तो गलत हो जाएगा। लेंडिंग का ट्रांजेक्शन भी इसमें आएगा, एज वेल एज द अलोकेशन ऑफ कॉस्ट के ट्रांजेक्शन भी आएंगे। अलोकेशन ऑफ कॉस्ट के ट्रांजेक्शन है वो भी इसमें कवर हो जाएंगे। अलोकेशन ऑफ कॉस्ट के ट्रांजेक्शन मतलब, जैसे आई कैन टेक एग्जांपल कि जो यूनिलीवर लिमिटेड यूएसए वाला है, सपोज उन्होंने कुछ ऐसा इन्वेंशन किया कि भाई सपोज फॉर एन एग्जांपल उन्होंने ऐसा एक शैंपू बनाया, शैंपू विद परफ्यूम, ऐसा करके कंसेप्ट बनाया कि शैंपू विद परफ्यूम, उन्होंने ऐसा शैंपू बनाया कि अगर आप शैंपू यूज करते हो तो आपको परफ्यूम यूज करने की जरूरत नहीं, उन्होंने ऐसा शैंपू बनाया, ठीक है। अब एक बात समझना, इस इनोवेशन पे, इस आरएनडी पे उन्होंने 500 करोड़ का खर्चा किया मान लो, तो एक बात बताओ 500 करोड़ का खर्चा क्या पूरा यूनिलीवर यूएसए लेगा क्या? नहीं, अपनी जितनी सब्सिडरी, जिन जिन को बेनिफिट मिलने वाला है, जितनी सब्सिडरी कंपनीज है, उनको सबको अलोकेशन ऑफ कॉस्ट होगा। अब ये लोग क्या करेंगे कि जिस कंट्री में टैक्स रेट ज्यादा है उनको कॉस्ट ज्यादा देंगे, जिस कंट्री में टैक्स रेट कम है उसको कॉस्ट कम देंगे, बट ये तो गलत हो जाएगा ना। तो अलोकेशन ऑफ कॉस्ट है वो भी भैया आर्म लेंथ प्राइस पे होना चाहिए। तो देखो बेटा मैंने बोला सबसे पहला ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है बिटवीन टू और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज, सॉरी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है यस बिटवीन एसोसिएट एंटरप्राइज, उसको किस पे लाना पड़ेगा? आर्म लेंथ प्राइस। बट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांजेक्शन बिटवीन टू और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज एटलीस्ट वन शुड बी, एटलीस्ट वन शुड बी। चलो आज हम सब लोग सेक्शन 92 पे, देखो क्या लिखा हुआ है। ऑल पीपल प्लीज कम टू द सेक्शन 92। क्या लिखा हुआ है? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑन आर्म लेंथ प्राइस, कब लगेगा ये आर्म लेंथ प्राइस वगैरह। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एन इनकम या एक्सपेंसेस
अराइजिंग फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन. अभी के लिए आप डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन यही समझो कि सिर्फ ट्रांसफर प्राइसिंग इंटरनेशनल में लगता है, कुछ डोमेस्टिक में लगता है. वो कुछ डोमेस्टिक क्या है वो बाद में सीखेंगे अपन लोग. Derived by associate enterprise shall be computed having regard to the arm length price. तो देखो section 92 क्या बोल रही है कि कोई भी income है या expenses है जो international transaction से या specified domestic transaction से हो रहा है, derived by associate enterprise shall be computed having regards to the arm length price. उसको arm length price पे लाना पड़ेगा. इसके नीचे वाला जो ये पार्ट है इस पार्ट को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ये आपको तभी समझ में आएगा जब मैं थोड़ा आगे बढ़ जाऊंगा. नेक्स्ट सेक्शन 92 बी पे आ जाओ. सेक्शन 92 बी क्या बोलती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. सेक्शन 92 बी, बी का मतलब बाहर वाले ट्रांजेक्शन. बाहर वाले ट्रांजेक्शन मतलब कौन से ट्रांजेक्शन, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन. 92 बी क्या बोलती है समझने की कोशिश करना. 92 बी ये बोलती है कि ट्रांजेक्शन विच सेटिस्फाइड फॉलोइंग थ्री क्राइटेरिया. तीन क्राइटेरिया सेटिस्फाइड होना चाहिए. पहला, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन किसको बोलेंगे, पहला पॉइंट, इट इज अ ट्रांजेक्शन बिटवीन टू और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज. ट्रांजेक्शन एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में होना चाहिए. वेयर आइदर ऑफ देम और ऑल ऑफ देम आर नॉन रेजिडेंट. आइदर ऑफ देम और ऑल ऑफ देम आर नॉन रेजिडेंट. मैं ये बोल दूं कि एटलीस्ट वन शुड बी नॉन रेजिडेंट, वही वाली बात हो गई. If all of them are resident in India, then the provision of this chapter do not apply to such situation. अगर सभी resident है तो obviously उनपे transfer pricing नहीं लगेगा. Next part, transaction कौन से nature का होना चाहिए. It is a transaction in the nature of either buying, selling, leasing of any tangible, intangible property. By buying हो सकता है, selling हो सकता है, leasing हो सकता है, lending, borrowing of money हो सकता है, provision of service हो सकता है, या फिर any other transaction which has any impact on the profit, loss, income, asset of the enterprise. ऐसा कोई भी transaction जो आपके profit, loss, income या asset पे कोई ना कोई impact करता है, वो वाला transaction. And it is a transaction in the nature of allocation or apportionment of or contribution of any cost or expenses which is incurred or is to be incurred by such associate enterprise in relation to the any of service facility benefit provided or to be provided to all or any of them. मतलब कुछ कुल मिला के मैं इसको बोल सकता हूँ allocation of cost वाली बात हो रही है यहाँ पे करके, ठीक है. अगर allocation of cost का transaction है तो वो भी तुम्हारा arm length price पे आना चाहिए. तो देखो बेटा, अपन ने पढ़ा international transaction. बोलो international transaction. इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का मतलब क्या, ट्रांजेक्शन बिटवीन टू और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज एंड एटलीस्ट वन शुड बी नॉन. ट्रांजेक्शन मे बी ऑफ द सेल, परचेज, लेंडिंग, बोरोइंग. इट मे बी रिलेटेड टू द अलोकेशन ऑफ कॉस्ट और एनी अदर ट्रांजेक्शन विच इंपैक्ट योर प्रॉफिट, लॉस, असेट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इज इट क्लियर और नॉट. तो अपन ने अभी तक पढ़ा इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन. इसके नीचे जो बी पार्ट दे रखा है, इस बी पार्ट को अपन थोड़े टाइम बाद में पढ़ेंगे जिससे थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग इस पॉइंट पे आएगा. तो इसको थोड़े टाइम के बाद में पढ़ेंगे. ये होता है डीम टू बी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन. मैं पहले लिखवा देता हूं यहां, भले नीचे यहां लिख लो डीम टू बी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन. जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इसको मान लेंगे डीम टू बी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन. समझेंगे क्या होता है ये. डीम टू बी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, चलो छोड़ दो इसको भी. उसके बाद डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन दे रखा है उसको भी छोड़ दो, सीधा आ जाओ एसोसिएट एंटरप्राइज पे. मीनिंग ऑफ एसोसिएट एंटरप्राइज. सर एसोसिएट एंटरप्राइज बोलेंगे कब. देखो ये टॉपिक चालू किया तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, ट्रांसफर प्राइसिंग में चार्जिंग सेक्शन कौन सी, 92. बोलो 92 क्या बोलती थी. अगर मान लो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है बिटवीन टू और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज, किस पे लाना पड़ेगा, आर्म लेंथ प्राइस. सबसे पहले अपन ने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का मतलब समझा. इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मीन्स ट्रांजेक्शन बिटवीन टू और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज एंड एटलीस्ट वन शुड बी नॉन रेजिडेंट. एसोसिएट एंटरप्राइज क्या होता है वो अब सीखने वाले हैं.
एक बात बताओ, एसोसिएट एंटरप्राइज का मतलब मैं ये बोलूं कि जब दो एंटरप्राइज के बीच में कुछ प्यार है, क्या है दोनों के बीच में कुछ प्यार है, कुछ ना कुछ ऐसा रिलेशन है, तभी। एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, ट्रांजैक्शन इन्फ्लुएंस कब हो सकता है? जब दोनों के बीच में कुछ ना कुछ है, तभी हो सकता है, नहीं तो क्यों होगा करके। ठीक है, जैसे मान लो, आई कैन टेक एग्जांपल, अपन मधुर की बात करते हैं। एक बात बताओ, मधुर है, मधुर का मोबाइल का दुकान है, कौन सा दुकान है? मधुर का मोबाइल का दुकान है, और मोबाइल का दुकान पे मान लो ये बंदी मोबाइल खरीदने गई करके, ठीक है, ये बंदी मोबाइल खरीदने गई, वीवो ओप्पो का मोबाइल बेचता है, ठीक है। अब मोबाइल खरीदने गई और इसने बोला मुझे वीवो का मोबाइल चाहिए, इसने बोला कितना पैसा, उसने बोला भाई 20,000, ठीक है, 20,000 बोला, इस बंदी ने 20,000 में मोबाइल लिया, और एक दिन मान लो वो आ गई मोबाइल खरीदने, वही वाली जो आप सोच रहे हो उसके बारे में, भाभी जी आए मोबाइल खरीदने, जिसका इस पे, इसका मतलब उस पे जो क्रश था वो वाले आए, ठीक है। अब वो मोबाइल खरीदने आए, ठीक है, और मोबाइल खरीदने आए, इसको बोला कि भाई कितने में मोबाइल दोगे, तो इसने बोला जो देना है दे दो, ठीक है, मतलब 2,000-4,000 जो देना है दे दो। एक बात बताओ, ट्रांजेक्शन में लफड़ा फर्स्ट वाले में है या दूसरे वाले में है? मतलब जहां पे प्यार है, जहां पे इन्फ्लुएंस है, वहां पे लफड़ा है। मतलब हर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में, जैसे मैंने कोई फॉरेन से खरीदा, फॉरेन बेचा, हर जगह ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं लगता। ट्रांसफर प्राइसिंग तभी लगता है जब ट्रांजेक्शन किसके बीच में होना चाहिए? एसोसिएट एंटरप्राइज। और अब मैं आपको सिखाने वाला हूं कि सर प्यार कब होता है दोनों के बीच में, सर दिल कब मिलते, कब प्यार होता है दोनों के बीच में, कब माना जाता है कि दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज है। तो चलो क्या बोला हुआ है, आ जाओ सब लोग 92A पे। सबसे पहला, For the purpose of this section मतलब 92A and section 92, मतलब वही, मतलब 92 तो दे ही रखा है, 92A and 92, 92B, C, D, E, F सबके लिए, associate enterprise in relation to the other than enterprise means an enterprise, मतलब कोई भी enterprise आपकी associate enterprise कब बनेगी? पहला, which participates directly or indirectly or through one or more intermediaries in the management or control or capital of the other enterprise। मतलब पहला पॉइंट ये बोलता है कि जब एक एंटरप्राइज किसी दूसरी एंटरप्राइज में डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरमीडिएटरीज मैनेजमेंट और कंट्रोल और कैपिटल में पार्टिसिपेट करती है, तब माना जाएगा दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज है। अब ये मैनेजमेंट कंट्रोल कैपिटल के लिए क्या होता है वो आगे दे रखा है, डोंट वरी, नेक्स्ट पार्ट एक बार समझते हैं। और इन रेस्पेक्ट ऑफ विच वन और मोर पर्सन हु पार्टिसिपेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और थ्रू वन और मोर इंटरमीडिएटरीज इन इट्स मैनेजमेंट और कंट्रोल और कैपिटल आर द सेम हु पार्टिसिपेट डायरेक्टली इनडायरेक्टली और थ्रू वन और मोर इंटरमीडिएटरीज इन द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल और कैपिटल ऑफ द अदर एंटरप्राइज। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो मान लो, इसका मतलब होता है एसोसिएट एंटरप्राइज किसको बोलते हैं, पहला पॉइंट एक कॉमन बोलता है, पहला पॉइंट ये बोलता है कि एक एंटरप्राइज किसी और के मैनेजमेंट में, किसी और के कंट्रोल कैपिटल में पार्टिसिपेट करती है, मैनेजमेंट कंट्रोल कैपिटल में एसोसिएट एंटरप्राइज। अब एक बात समझना, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करना, आपने लॉ में सीखा हुआ है कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह अपॉइंट करती है तो ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। कंट्रोल में हुआ, कैपिटल में कैसे होता है, जैसे शेयर होल्डिंग किसी और कंपनी की है तो उसमें कैपिटल में कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब आपका हुआ करके, ठीक है। अब एक चीज समझना, पहला पॉइंट सिंपल सी बात करता है कि जैसे ए है वो बी में मैनेजमेंट में वगैरह पार्टिसिपेट करती है और ए और बी एसोसिएट बन जाएगी। इसका बी पार्ट ये बोलता है कि ए जो है वो बी में भी करता है और सी में भी करता है, तो मैं बोलू ए जो है वो बी में भी करता है सी में भी करता है, तो ए और बी तो एसोसिएट है ही है, ए और सी तो एसोसिएट है ही है, बी और सी भी क्या मानी जाएगी, एसोसिएट। लेकिन इन दो पॉइंट्स में ये नहीं बोला मैनेजमेंट का मतलब क्या, कंट्रोल का मतलब क्या, सर मैनेजमेंट कंट्रोल कैपिटल का मतलब है क्या, वो तो कहीं बोला ही नहीं। वो बोला हुआ है यहां से, तो ये ऊपर जो पढ़ा इसको आपको याद रखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से जो पढ़ रहे हैं दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको चीजें याद रखनी है। देखो क्या लिखा हुआ है, ये बोलते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन वन, सबसेक्शन वन मतलब ये जो ऊपर बात कर रहे थे, ये जो गोला बनाया ये सबसेक्शन वन है,
टू एंटरप्राइज शैल बी डीम्ड टू बी द एसोसिएट एंटरप्राइज इफ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. इफ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मतलब साल में किसी भी दिन अगर दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ तो वो एसोसिएट एंटरप्राइज मानी जाएगी. सबसे पहला पॉइंट इधर देखना. सबसे पहला पॉइंट मैं एक एक पॉइंट यहां सिखाते जाऊंगा, समझाते जाऊंगा, फिर आपको रीड करवाऊंगा. सबसे पहला पॉइंट ये बोलता है कि जैसे एक एंटरप्राइज है ए लिमिटेड, कौन सी एंटरप्राइज है ए लिमिटेड, और एक एंटरप्राइज है बी लिमिटेड. जैसे एक एंटरप्राइज है ए लिमिटेड, दूसरी एंटरप्राइज है बी लिमिटेड. अगर ए लिमिटेड इस बी लिमिटेड में, किसमें, ए लिमिटेड बी लिमिटेड में 26% और मोर, 26% और मोर अगर इक्विटी शेयर होल्डिंग रखता है, क्या रखता है, इक्विटी शेयर होल्डिंग रखता है, मतलब मैं बोलूं 26% और मोर, कौन सा शेयर होल्डिंग, वोटिंग पावर वाला, हाँ भाई, और वोटिंग पावर कौन से शेयर होल्डिंग से मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डिंग. अगर ए एंटरप्राइज, कोई एक एंटरप्राइज है, वो किसी दूसरी एंटरप्राइज में 26% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग रखती है, मतलब शेयर होल्डिंग और वोटिंग पावर वाला, तो दोनों एंटरप्राइज आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएगी. क्या बन जाएगी, एसोसिएट, क्या बन जाएगी, एसोसिएट. तो दोनों एंटरप्राइज आपस में कौन सी एंटरप्राइज बन जाएगी, एसोसिएट एंटरप्राइज. तो देखो बेटा, अगर एक एंटरप्राइज है, वो एक एंटरप्राइज किसी दूसरी एंटरप्राइज में 26% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग रखते हैं, इक्विटी शेयर होल्डिंग का मतलब होता है वोटिंग पावर वाला शेयर होल्डिंग, तो दोनों एंटरप्राइज आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएगी. जैसे आई कैन टेक अ एग्जांपल कि मान लो एक ए लिमिटेड इंडिया का कंपनी है, बी लिमिटेड मान लो फॉरेन का कंपनी है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड का 26% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग रखती है, तो दोनों एंटरप्राइज क्या मानी जाएगी, एसोसिएट, क्या मानी जाएगी, एसोसिएट. जैसे वन मोर एग्जाम्पल, इंडिया का मान लो वोडाफोन एसआर करके कंपनी है इंडिया का, ठीक है, और जो फॉरेन का वोडाफोन है, जो वोडाफोन लाइक होल्डिंग कंपनी है, वो वोडाफोन का मान लो इसमें 67% शेयर होल्डिंग इंडिया की कंपनी में है, तो इंडिया का वोडाफोन एसआर और जो फॉरेन का कंपनी है वो दोनों क्या मानी जाएगी, एसोसिएट. या इंडिया का जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, मान लो एचयूएल के 26% और मोर शेयर अगर यूयूएल के पास में है, तो मैं बोलूं यूयूएल और एचयूएल दोनों क्या बन जाएगी, एसोसिएट एंटरप्राइज. दोनों के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो ट्रांजैक्शन किस पे होने, आर्म लेंथ ट्रांसफर प्राइसिंग लग जाएगी. तो देखो, ट्रांसफर प्राइसिंग लगने के लिए दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो वो एसोसिएट एंटरप्राइज बनाना है और दूसरा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होना है. एक तो एसोसिएट एंटरप्राइज और दूसरा इंटरनेशनल. एक बात बताओ, व्हाई 26%, why not 50%, why not 20%, why not 30%, why 26%? why 26%? जैसा भाई साहब ने बोला, very good, इन्होंने सही बोला. एक बात बताऊं, वर्ल्ड में ऑलमोस्ट जितने भी कॉर्पोरेट लॉज है उसमें ऐसा है कि देयर आर एक तो जनरल रेजोल्यूशन और एक स्पेशल रेजोल्यूशन. स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया तभी जा सकता है जब कितने शेयर होल्डर होने चाहिए, 75%, मतलब थर्ड फोर्थ शेयर होल्डर 75% और मोर शेयर होल्डर होने चाहिए तो ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा. एक बात बताओ, एक ही एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज का जब 26% और मोर का शेयर होल्डिंग रखता है, तो क्या एक उस एंटरप्राइज के बिना दूसरा एंटरप्राइज क्या स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर पाएगा क्या, नहीं. मतलब जैसे इन दिस एग्जांपल, सपोज ए लिमिटेड होल्ड 26% और मोर इक्विटी शेयर ऑफ द बी लिमिटेड, तो एक बात बताओ, बी लिमिटेड के 26% और मोर शेयर होल्डिंग है, वो ए लिमिटेड के पास है, तो क्या बी लिमिटेड ए लिमिटेड की परमिशन के बिना क्या स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर सकता है क्या, यस और नो? नो. इसके लिए मैं एक बात बोलूं, ए लिमिटेड बी लिमिटेड को इन्फ्लुएंस कर सकता है या नहीं, यस. ट्रांजैक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकता है या नहीं, यस. तो भैया ये दोनों क्या बन जाएगा, एसोसिएट, क्या बन जाएगा, एसोसिएट. अब एक बात समझना, एंटरप्राइज का मतलब नॉट ओनली कंपनी, इट मे बी अ फर्म, इट मे बी अ इंडिविजुअल, इट मे बी अ एचयूएल, इट मे बी अ एओपी बीओआई.
जैसे सपोज आई कैन टेक एग्जांपल, इफ आई एम होल्डिंग 27% ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, आई एम अ प्रोप्राइटर एंड आई एम होल्डिंग 27% ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, तो क्या माइक्रोसॉफ्ट का मैं एसोसिएट एंटरप्राइज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। मतलब मेरे और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो ट्रांजेक्शन किस पे करने पड़ेंगे? आर्म लेंथ प्राइस। किस पे करने पड़ेंगे? आर्म लेंथ प्राइस। किस पे करने पड़ेंगे? आर्म लेंथ प्राइस। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? अरे बोलो यस और नो, यस और नो। चलो नेक्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये बोलता है, दूसरा पॉइंट ये बोलेगा कि अगर मान लो एक एंटरप्राइज है, दैट इज द पी लिमिटेड। कौन सी एंटरप्राइज है? पी लिमिटेड। अब ये पी लिमिटेड क्या करता है कि भैया 26% और मोर इक्विटी शेयर होल्डिंग रखता है एक्स का एंड 26% और मोर इक्विटी शेयर होल्डिंग रखता है मान लो वाई लिमिटेड का। तो एक बात बताओ मुझे इस एग्जांपल में, मैं बोलू पी लिमिटेड और एक्स लिमिटेड तो एसोसिएट एंटरप्राइज है ही है। हाँ भाई, मैं बोलू पी लिमिटेड और वाई लिमिटेड भी एसोसिएट एंटरप्राइज है ही है। हाँ भाई, लॉ बोलता है एक्स और वाई लिमिटेड भी आपस में क्या माने जाएंगे? एसोसिएट एंटरप्राइज। क्या माने जाएंगे? एसोसिएट एंटरप्राइज। तो देखो बेटा, अपन ने अभी तक दो पॉइंट पढ़े। सबसे पहला पॉइंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या लिखा हुआ है। वन एंटरप्राइज, यहां लिखा हुआ है कि वन एंटरप्राइज होल्ड करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली शेयर्स कैरिंग नॉट लेस देन 26% ऑफ वोटिंग पावर इन द अदर एंटरप्राइज। मतलब एक एंटरप्राइज होल्ड करता है 26% और मोर के शेयर, वोटिंग पावर वाले, दोनों आपस में क्या माने जाएंगे? एसोसिएट एंटरप्राइज। दूसरा पॉइंट, Any person, or you can say that enterprise, मतलब ये P limited की बात कर रही है, directly, indirectly, shares carrying not less than 26% of voting power in each of the such enterprise, मतलब इन enterprise में अगर मान लो रखता है तो ये आपस में दोनों enterprise क्या माने जाएंगे? Associate enterprise। क्या माने जाएंगे? Associate। क्या माने जाएंगे? Associate enterprise। अब एक चीज समझना, next part। राइट पॉइंट, मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा आपको, डोंट वरी। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि अगर मान लो एक एंटरप्राइज है दैट इज पी लिमिटेड और दूसरा एंटरप्राइज है मान लो क्यू लिमिटेड। पहला एंटरप्राइज कौन सा? दूसरा एंटरप्राइज कौन सा? एक एंटरप्राइज है पी लिमिटेड, दूसरा एंटरप्राइज कौन सा? एक एंटरप्राइज पी लिमिटेड, दूसरा एंटरप्राइज क्यू लिमिटेड। एक एंटरप्राइज पी लिमिटेड, दूसरा एंटरप्राइज क्यू लिमिटेड, और ये जो पी लिमिटेड है ना, ये किसी दूसरे एंटरप्राइज का, मतलब एक एंटरप्राइज किसी दूसरे एंटरप्राइज का या तो मोर देन हाफ ऑफ द, मतलब मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करता है, या फिर किसी भी एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपॉइंट करता है, तो ये दोनों एंटरप्राइज आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज मानी जाएगी। क्या बोला मैंने? अगर एक एंटरप्राइज है वो किसी दूसरी एंटरप्राइज का मोर देन हाफ ऑफ द बीओडी को अपॉइंट करता है। क्या बोला मैंने? मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करता है या फिर एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपॉइंट करता है, तो बोथ एंटरप्राइज आर ट्रीटेड एज एसोसिएट। दोनों एंटरप्राइज आपस में क्या मानी जाएगी? एसोसिएट एंटरप्राइज। क्या मानी जाएगी? एसोसिएट एंटरप्राइज। जैसे इस एग्जांपल में आई कैन टेक एग्जांपल कि सपोज क्यू लिमिटेड है, इस क्यू लिमिटेड के टोटल, जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, इसके टोटल 7 डायरेक्टर है मान लो, और इस 7 डायरेक्टर में से मैं बोलू अगर 4 डायरेक्टर है, मोर देन हाफ हो गया 4। हाँ भाई, 4 डायरेक्टर को अगर पी लिमिटेड अपॉइंट करता है तो दोनों एंटरप्राइज आपस में क्या मानी जाएगी? एसोसिएट। क्या मानी जाएगी? एसोसिएट। तो देखो, एक एंटरप्राइज किसी दूसरी एंटरप्राइज के या तो मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करता है, किसको करता है? मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या फिर 1 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो दोनों आपस में क्या मानी जाएगी? एसोसिएट। क्या मानी जाएगी? एसोसिएट। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मतलब क्या होता है? हाँ, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर, यू कैन से दैट इज कॉल्ड योर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जो एग्जीक्यूटरी बोर्ड का जो सदस्य रहता है, जो एग्जीक्यूशन में रहता है, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटरी डायरेक्टर।
तो अगर मान लो एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपॉइंट करती है तो बोथ आर ट्रीटेड एज एसोसिएट एंटरप्रेन्योर। और उसके आगे वाला एग्जाम्पल, अगर मान लो एक कंपनी है जेड आई जेड लिमिटेड, अब जेड लिमिटेड क्या करती है किसी दो कंपनी के, जैसे एक मान लो ए लिमिटेड और एक मान लो बी लिमिटेड, इन दो कंपनी के मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करती है या एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, इधर भी मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो एक बात बताओ, Z लिमिटेड एंड A लिमिटेड तो एसोसिएट एंटरप्राइज है क्या नहीं है? है, हाँ भाई, Z लिमिटेड एंड A लिमिटेड है वो तो एसोसिएट एंटरप्राइज है। Z लिमिटेड एंड B लिमिटेड भी एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएगी। लॉ बोलता है A एंड B लिमिटेड आपस में क्या मानी जाएगी? एसोसिएट एंटरप्राइज। क्या मानी जाएगी? एसोसिएट। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? अरे बोलो यस और नो। तो पहले अपना कौन सा कवर हुआ था? एक तो A हो गया था, एक अपना B हो गया था, अब कवर कर रहे हैं E एंड F करके। तो सबसे पहले E देखो क्या लिखा हुआ है, मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहां एग्जैक्ट हाफ नहीं लिखा, क्या लिखा है? मोर देन हाफ, मतलब टोटल 7 डायरेक्टर है तो कितने डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहिए? एटलीस्ट 4, ठीक है? मोर देन हाफ, अगर मान लो 8 डायरेक्टर है, 4 अपॉइंट किया, चलेगा या नहीं चलेगा? यस और नो? नहीं चलेगा, क्योंकि वो मोर देन हाफ नहीं हुआ। और मेंबर ऑफ अ गवर्निंग बोर्ड, या कोई मेंबर अपॉइंट करता है गवर्निंग बोर्ड का, और वन और मोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ द गवर्निंग बोर्ड ऑफ वन एंटरप्राइज आर अपॉइंटेड बाय द अदर एंटरप्राइज, ठीक है? तो देखो, या तो मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मेंबर ऑफ गवर्निंग बोर्ड, मतलब गवर्निंग बोर्ड जो होता है दैट इज कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ओनली, यू कैन से दैट, ठीक है? तो जो भी गवर्निंग बोर्ड होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, उसका मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करता है, या फिर वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को या एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ गवर्निंग बोर्ड अपॉइंट करता है, तो दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज मानी जाएगी। एंड एफ पॉइंट क्या बोलता है? मोर देन हाफ ऑफ द डायरेक्टर्स और मेंबर ऑफ गवर्निंग बोर्ड और वन और मोर ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और मेंबर ऑफ गवर्निंग बोर्ड ऑफ ईच ऑफ द टू एंटरप्राइज आर अपॉइंटेड बाय सेम पर्सन और सेम पर्संस। अगर ये लोग अपॉइंट, सेम पर्सन अगर अपॉइंट करता है तो बोथ आर ट्रीटेड एज एसोसिएट एंटरप्राइज। चलो कॉपी करो फटाफट, 4 पॉइंट का कॉपी करो।
हाँ भाई डन। डन पीपल, समझू? हा हाँ बोलो, एनी डाउट? अच्छा एक बात समझना सर, यहां पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिखा हुआ है, ठीक है? यहां जैसे पहले वाले में के वन एंटरप्राइज होल्ड 26% और मोर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली? डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मतलब क्या हुआ, कोई बता सकते हैं? हाँ जैसे आपकी ए लिमिटेड है और ए लिमिटेड की मान लो बी लिमिटेड में, ए लिमिटेड की बी लिमिटेड में 50% शेयर होल्डिंग है और बी लिमिटेड की सी लिमिटेड में मान लो 26% शेयर होल्डिंग है, तो ए और सी के एसोसिएट एंटरप्राइज बनेगा या नहीं? यस और नो? यस और नो? डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मतलब ऐसा होगा क्या ये भी एसोसिएट एंटरप्राइज बनेगा? यस और नो? आंसर इज नो। नो आंसर इज नो, बिकॉज हाउ ए लिमिटेड इज होल्डिंग 26% और मोर ऑफ सी लिमिटेड? नहीं होल्ड कर रहा है, कहां कर रहा है? चलो ये 51% ले। अब होगा, अब होगा क्या? आंसर इज नो, अभी भी नहीं। एक बात बताओ, जब ये इसका 50 होल्ड करता है तो 50 का 26% मतलब होल्ड पावर कितना हुआ? 13% ही तो हुआ। तो ए इज होल्डिंग 13% ऑफ सी लिमिटेड, तो ये एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, ए लिमिटेड बी लिमिटेड का अगर 100% होल्ड करता तो एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाता है? नहीं बन जाता, बिकॉज ए इज होल्डिंग बी का 100% एंड वो उसका 26%, तो हो गया सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे आर होल्डिंग 26% और मोर ना, तो वो एसोसिएट एंटरप्राइज बन गया। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? अरे तुमको समझा के नहीं समझा? समझा के नहीं समझा? या जैसे ए लिमिटेड बी लिमिटेड का 30% होल्ड करता है और बी लिमिटेड सी का 100% होल्ड करता है, ए और सी बनेगा या नहीं बनेगा? हा यस और नो? हा ए और ए बी का 30% और वो उसका 100% बनेगा या नहीं? आंसर इज यस, इट इज एसोसिएट एंटरप्राइज। चल हा ए और बी एसोसिएट है, कैसे? हाँ मतलब उस वो भी पकड़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। आप इन्फ्लुएंस करवा दो एक बार, ठीक है, फिर पता चलेगा कैसे इन्फ्लुएंस होता है करके, ठीक है? हाँ चलो नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द पॉइंट नंबर सी। बोलो सी। अब बोलो सी। अब एक बात समझना, एक एंटरप्राइज है जिसका नाम है मान लो, नाम कोई अच्छे बोलो ना, बस बेटा तुझे वही दिखती है, हरी लिमिटेड। क्या नाम है? हरी लिमिटेड। और एक है जो दूसरी एंटरप्राइज है जिसका नाम है मान लो सैम लिमिटेड। क्या नाम है? सैम। वन एंटरप्राइज नेम इज अ हरी लिमिटेड एंड अनदर एंटरप्राइज नेम इज अ सैम लिमिटेड। अब एक बात समझना, हरी लिमिटेड सैम लिमिटेड को लोन एंड एडवांसेस देती है। क्या देती है? लोन एंड एडवांसेस। अगर लोन एंड एडवांसेस देती है हरी लिमिटेड सैम लिमिटेड को, और वो लोन और एडवांसेस है ना, वो लोन और एडवांसेस इस सैम लिमिटेड की टोटल असेट का, किसका बोलेंगे? टोटल असेट का 51% और मोर है। क्या बोला मैंने? टोटल असेट का 51% और मोर है। क्या दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज बनेगी या नहीं? आंसर इज यस। वापस देखो बेटा, मतलब
एक एंटरप्राइज किसी दूसरी एंटरप्राइज को लोन और एडवांसेस देती है, क्या देती है? और वो लोन और एडवांसेस है ना, इतना लोन देती है जितना आगे वाली एंटरप्राइज की जो टोटल एसेट है ना उसका भी 51% या उससे ज्यादा है। जैसे इन दिस एग्जांपल आई कैन टेक अ एग्जांपल कि सपोज ये सैम लिमिटेड है, इसकी टोटल असेट है वो मान लो 1000 करोड़ है। सैम लिमिटेड की टोटल असेट 1000 करोड़ है और इसमें से 600 करोड़ का लोन तो सिर्फ हरी लिमिटेड ने दिया है। उसकी टोटल असेट है वो 1000 करोड़ है और 600 करोड़ का लोन है दैट इज गिवन बाय द हरी लिमिटेड। तो लॉ बोलता है हरी लिमिटेड एंड सैम लिमिटेड दोनों आपस में क्या बन जाएगी? एसोसिएट एंटरप्राइज। क्या बन जाएगी? एसोसिएट एंटरप्राइज। मतलब एक एंटरप्राइज किसी दूसरी एंटरप्राइज को लोन और एडवांसेस देती है, क्या देती है? लोन और एडवांसेस। और वो 51% और मोर है टोटल असेट ऑफ अदर एंटरप्राइज, देन बोथ आर ट्रीटेड एज एसोसिएट। अब ऐसा जरूरी नहीं कि लोन देने वाला रेजिडेंट है या लोन लेने वाला नॉन रेजिडेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। दो एंटरप्राइज एसोसिएट कब बनती है अपन वो सीख रहे हैं, फिर ट्रांजेक्शन क्या होगा वो बाद की बात आएगी, ठीक है? कब ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगा, कैसे लगेगा, वो बाद की बात है। अभी सिर्फ ये सीख रहे हैं कि दोनों के बीच में प्यार कब होता है, दोनों के बीच में कब बोला जाएगा ये प्यार है। तो एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज को लोन देती है और वो लोन कितना देती है पता है? कितना देती है? कितना देती है? 51% और मोर ऑफ टोटल असेट ऑफ अदर एंटरप्राइज। बोथ एंटरप्राइज आर ट्रीटेड एज एसोसिएट एंटरप्राइज। जैसे इन दिस एग्जांपल कि हरी लिमिटेड लोन दे रही है सैम लिमिटेड को और सैम लिमिटेड की टोटल असेट 1000 करोड़ है, इस 1000 करोड़ में से भैया 51% और मोर का लोन है वो तो यही एक ही दे रही है एंटरप्राइज, तो बोथ आर ट्रीटेड एज एसोसिएट एंटरप्राइज। दूसरी एंटरप्राइज, दूसरा केस, पॉइंट नंबर डी। अब क्या टोटल असेट का बैंक लोन दे रही है तो वो भी एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएगी, कोई यहां पे बैंक के लिए मना नहीं है करके, ठीक है? बट उसमें वही है कि भाई एक पर्सन नॉन रेजिडेंट होना चाहिए, एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? चलो नेक्स्ट पार्ट। वन एंटरप्राइज, एक एंटरप्राइज क्या करती है, जैसे मान लो एक एंटरप्राइज है जिसका नाम है रवि लिमिटेड और एक एंटरप्राइज है जिसका नाम है कवि लिमिटेड। एक एंटरप्राइज रवि लिमिटेड और एक एंटरप्राइज है कवि लिमिटेड। अब एक बात समझना, ये जो कवि लिमिटेड है इसकी जो टोटल बोरोइंग्स है, क्या बोलेंगे? टोटल बोरोइंग्स, जो भी टोटल बोरोइंग्स है मतलब जितने का टोटल लोन दे रखा है, क्या दे रखा है? लोन, लोन ले रखा है इन्होंने टोटल बोरोइंग्स। इसमें से ये रवि लिमिटेड है ना, इसकी टोटल बोरोइंग्स का 10% और मोर का गारंटी देता है। एक बात बताऊं, मैं इस वर्ल्ड में कोई किसी की गारंटी नहीं देता, भाई भाई की गारंटी नहीं देता, ध्यान रखना, ठीक है? अगर मान लो मैं लोन लेने जाऊं और मैं बोलता हूं आपसे कि आप गारंटर बनोगे कि आप नहीं बनने वाले, ठीक है? बोलोगे सर आप रहो घर के, ठीक है, आपको पैसा दे दिया, पढ़ा लो घर के, ठीक है, गारंटी वारंटी हम कुछ नहीं देने वाले। कोई किसी की गारंटी नहीं देता यार, भाई भाई की गारंटी नहीं देता, तो भैया आप कौन से खेत की मूली हो कि एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज की बोरोइंग की गारंटी दे रहा है? मतलब एक बात समझना, रवि लिमिटेड, इधर देख ले भाई, रवि लिमिटेड जो है वो कवि लिमिटेड की जो टोटल बोरोइंग है, जैसे मान लो कवि लिमिटेड की टोटल बोरोइंग है वो 1000 करोड़ है और 1000 करोड़ की बोरोइंग है और 100 करोड़ या उससे ज्यादा के लिए अगर रवि लिमिटेड गारंटी देता है, क्या बोला मैंने? 100 करोड़ या उससे ज्यादा के लिए रवि लिमिटेड गारंटी देता है तो दोनों आपस में क्या मानी जाएगी? एसोसिएट एंटरप्राइज। क्या मानी जाएगी? एसोसिएट। तो देखो क्या लिखा हुआ है, A loan advanced by one enterprise to other enterprise constitutes not less than 51%, मतलब 51% और more of the total book value of total asset of other enterprise, मतलब इसकी जो total asset है उसकी book value का 51% और more का अगर loan है तो, और one enterprise guarantees not less than 10% of total borrowing of the other enterprise, both enterprise are treated as associate enterprise। चलो copy मारो दोनों को।
डन पीपल कितने लोग स्टिल डूइंग रेज योर हैंड, सब लोगों का हो गया, वेरी गुड। बेटा आप क्या कर रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, तो इधर देखो अभी, हाँ हो गया हो तो। अब एक बात समझना, पॉइंट नंबर एफ तक हुआ, क्या हुआ एफ तक। अब एक बात समझना, एक एंटरप्राइज अगर मैन्युफैक्चरिंग करती है, क्या करती है मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, आर्टिकल और बिजनेस कैरिड आउट बाय वन एंटरप्राइज, मतलब एक एंटरप्राइज या तो मैन्युफैक्चर करती है, प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स करती है और बिजनेस करती है कोई भी, लेकिन उसका जो बिजनेस है ना, उसका जो बिजनेस है, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है, दैट इज टोटली डिपेंड्स ऑन नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इन्वेंशन, डिजाइन, फॉर्मूला ऑफ अनदर एंटरप्राइज, देन बोथ आर ट्रीटेड एज एसोसिएटेड एंटरप्राइज। मतलब एक एंटरप्राइज कोई गुड्स वगैरह मैन्युफैक्चर करती है और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स करती है और बिजनेस कैरिड आउट बाय वन एंटरप्राइज, और वो पूरा डिपेंड करता है एनी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी ऑफ द अनदर एंटरप्राइज, देन बोथ एंटरप्राइज आर ट्रीटेड एज द एसोसिएट। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, एक बात समझना, इंडिया का एक कंपनी है मान लो हीरो लिमिटेड। हीरो लिमिटेड साइकिल बनाते थे, आप छोटे थे तो आपकी एक डिमांड होती थी हमको हीरो साइकिल ला के दो करके, ठीक है। तो जो हीरो साइकिल का सपना था आप लोगों का, वो हीरो लिमिटेड बनाती थी। इनको बाइक बनाना किसने सिखाया पता है, होंडा वाला, किसने पर सिखाया, होंडा। तो बाहर का एक कंपनी है होंडा, जो जापान का है होंडा शायद, हाँ, और इंडिया का कंपनी है मान लो हीरो। अब एक बात समझना, सपोज आई कैन से दैट ये होंडा आईएनसी करके जो है, आईएनसी मतलब एक कॉर्पोरेशन एंड हीरो लिमिटेड, एक बात समझना, होंडा क्या करती है, मान लो हीरो को नो हाउ देती है, क्या देती है नो हाउ, हीरो को नो हाउ देती है, और इसका जो पूरा बिजनेस है वो पूरा बिजनेस किस पे डिपेंड करता है, नो हाउ ऑफ द होंडा पे, क्योंकि होंडा के नो हाउ के बिना इनका बिजनेस चल ही नहीं सकता। मींस दिस बिजनेस इज टोटली डिपेंड्स ऑन नो हाउ ऑफ द होंडा। तो हीरो और होंडा दोनों आपस में क्या मानी जाएगी, एसोसिएट एंटरप्राइज, क्या मानी जाएगी एसोसिएट। या जैसे आई कैन टेक एग्जाम्पल कि मान लो आपने मैकडी का फ्रेंचाइजी लिया, सपोज आपने मैकडी डोमिनोज का फ्रेंचाइजी लिया, तो आपका डोमिनोज का फ्रेंचाइजी जो है वो उन्होंने ये भी बताया कि पिज्जा कैसे बनाने का, एज वेल एज उनका नाम भी आप यूज कर रहे हो, तो योर बिजनेस इज टोटली डिपेंड्स ऑन, आई कैन से दैट द फ्रेंचाइजी ऑफ द लाइक अदर जो फ्रेंचाइजी है उस पर बिजनेस आपका डिपेंड कर रहा है, उसके ब्रांड नेम पे डिपेंड कर रहा है। तो आप दोनों आपस में क्या माने जाओगे, एसोसिएट एंटरप्राइज, क्या माने जाओगे एसोसिएट। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द मैन्युफैक्चर और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स और आर्टिकल और बिजनेस कैरिड आउट बाय वन एंटरप्राइज इज होली डिपेंड्स ऑन द यूज ऑफ नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, क्या क्या लिखा हुआ है, ऑन द यू होली डिपेंड्स ऑन द यूज ऑफ नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी और एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर, या एनी डेटा, एनी डॉक्यूमेंटेशन, ड्रॉइंग, स्पेसिफिकेशन रिलेटिंग टू एनी पेटेंट, इन्वेंशन, मॉडल, डिजाइन, सीक्रेट फॉर्मूला और प्रोसेस ऑफ विच द अदर एंटरप्राइज इज ओनर इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द अदर एंटरप्राइज हैज एक्सक्लूसिव राइट। मतलब भैया ऑलरेडी वो उनका ऑलरेडी एक्सक्लूसिव राइट है, वो उसका ओनर है और आपका बिजनेस है वो उस पर डिपेंड करता है, तो दोनों एंटरप्राइज आपस में क्या मानी जाएगी, एसोसिएट एंटरप्राइज, क्या मानी जाएगी एसोसिएट एंटरप्राइज। नेक्स्ट पार्ट, अब एक बात समझना, एक एंटरप्राइज की जो टोटल रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट है, क्या बोला मैंने, अगर मान लो मैन्युफैक्चरिंग में है, जैसे मान लो पी लिमिटेड और दूसरा तुम्हारा आर लिमिटेड, आर लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग में है और इसका जितना टोटल रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट है ना, रिक्वायरमेंट उसका 90% और मोर है, वो एक ही एंटरप्राइज सप्लाई करती है। मतलब आपका जितना रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट है, जैसे एक एंटरप्राइज का टोटल रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट है वो 1000 करोड़ का है,
उसमें से 900 करोड़ या उससे ज्यादा एक ही एंटरप्राइज सप्लाई कर रही है, तो आपस में दोनों आप क्या माने जाओगे? एसोसिएट एंटरप्राइज। क्या माने जाओगे? एसोसिएट एंटरप्राइज। आप आपस में क्या माने जाओगे? एसोसिएट एंटरप्राइज। मतलब एक एंटरप्राइज है वो आपको 90% और मोर का आपका रॉ मटेरियल जो रिक्वायरमेंट है वो सप्लाई करती है, तो बोथ एंटरप्राइज आर ट्रीटेड एज एसोसिएट एंटरप्राइज। नेक्स्ट पार्ट, 90% और मोर ऑफ रॉ मटेरियल और कंज्यूमेबल्स रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स और आर्टिकल कैरिड आउट बाय वन एंटरप्राइज। 90% और मोर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमेबल्स रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स और आर्टिकल कैरिड आउट बाय वन एंटरप्राइज आर सप्लाइड बाय अदर एंटरप्राइज। मतलब एक ही एंटरप्राइज सप्लाई करती है, तो आपस में दोनों क्या मानी जाएगी? एसोसिएट एंटरप्राइज। क्या मानी जाएगी? एसोसिएट एंटरप्राइज। अब एक बात समझना, एक चीज समझना, मार्केट में जब आप गुड सेल वगैरह करते हो, प्राइस कौन डिसाइड करता है? बायर या सेलर? फाइनल प्राइस हु विल डिसाइड? हु विल डिसाइड द प्राइस? डोंट आंसर लाइक इकोनॉमिक्स स्टूडेंट। सो मार्केट विल डिसाइड, डिमांड एंड सप्लाई विल डिसाइड, दे विल नेगोशिएशन विल डिसाइड, डिमांड मार्केट में कितनी है प्रोडक्ट की, दैट विल डिसाइड। इतना आपसे एक्सपर्ट नॉलेज नहीं चाहिए, आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है कि मार्केट में हु विल डिसाइड द प्राइस? सेलर और बायर? सेलर और बायर। कितने लोग बोलते हैं सेलर रेज योर हैंड? अच्छा, कितने लोग बोलते हैं बायर रेज योर हैंड? तो हाथ ऊपर करो ना, जब बायर वाले हो आप तो ऐसे हाथ ऊपर करो। अरे हाथ तो ऊपर करो। हाँ, वेरी गुड, ये हुई ना बात। और कौन-कौन है बायर रेज कर रहे हैं? वेरी गुड। तो ये बायर वाले भी कोई कोई लोग हैं जो बोलते हैं बायर फाइनली विल डिसाइड द प्राइस। एक काम करो, किसी एप्पल स्टोर में जाओ, बोलो आई एम बायर, गिव मी द आईफोन एंड टेक 10 rupees, ठीक है? बिकॉज आई एम बायर सो आई हैव टू डिसाइड द प्राइस, आई विल डिसाइड द प्राइस। मार्केट में ऑलवेज प्राइस विल डिसाइड बाय द सेलर। लेकिन अगर तुम्हारी प्राइस बायर डिसाइड करता है, बायर प्राइस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है, तो दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएगी। अगर बायर डिसाइड करता है, जैसे मान लो मोबाइल उसका था, ठीक है, भाभी जी आते हैं और भाभी जी बोलते बाकी को 20,000 में, और भाभी जी आते मैं तो 4,000 में ही लूंगी, ठीक है। अब वो 4,000 में मोबाइल लेके गई, यहाँ पे प्राइस कौन डिसाइड कर रहा है? बायर। बायर इन्फ्लुएंस द प्राइस, then both are treated as associate enterprise। देखो क्या लिखा हुआ है। अब आप बोलोगे पता कैसे चलेगा? पता चलता है प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में भैया सब इन्फ्लुएंस होता है, इधर उधर से कुछ ना कुछ ऐसा होता है तो पता चल जाता है। द गुड्स और आर्टिकल मैन्युफैक्चर और प्रोसेस्ड बाय वन एंटरप्राइज आर सोल्ड टू अदर एंटरप्राइज एंड प्राइस एंड अदर कंडीशन रिलेटिंग देयर टू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सच अदर एंटरप्राइज। मतलब गुड्स मैन्युफैक्चर किया जाता है और वो किसी को सेल किया जाता है और उसकी प्राइस है, वो प्राइस आगे वाला पर्सन डिसाइड करता है, इन्फ्लुएंस करता है, देन बोथ आर ट्रीटेड एज एसोसिएट एंटरप्राइज। नेक्स्ट पार्ट, पॉइंट नंबर जे ये बोलता है कि भैया एक एंटरप्राइज है, वो एंटरप्राइज को कोई इंडिविजुअल कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल है वो कंट्रोल करता है किसी एक एंटरप्राइज को, मान लो ए लिमिटेड को कंट्रोल करता है। कंट्रोल का मतलब क्या? जितने भी ऊपर अपन ने रिलेशनशिप देखे कि कंट्रोल की बात होती है, जैसे 26% और मोर वगैरह है, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल। और दूसरी एंटरप्राइज है बी लिमिटेड, मान लो इस बी लिमिटेड को कंट्रोल करता है वो इंडिविजुअल या अलोंग विद द रिलेटिव, वो इंडिविजुअल या उसके रिलेटिव मिलके कंट्रोल करते हैं, तो लॉ मेकर्स ये बोलेंगे कि देखो बेटा ए और बी आपस में क्या माने जाएंगे? एसोसिएट एंटरप्राइज। देखो एक एंटरप्राइज ऐसी है जिसको कंट्रोल इंडिविजुअल करता है, दूसरी एंटरप्राइज को वो इंडिविजुअल या फिर रिलेटिव मिलके कंट्रोल करते हैं, तो बोथ एंटरप्राइज आर ट्रीटेड एज एसोसिएट एंटरप्राइज। कंट्रोल का मतलब वही 26% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग एंड ऑल दैट थिंग, जो ऊपर रिलेशनशिप में अपन ने देखा, those relationship are treated as the control करके, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, where one enterprise is controlled by individual and other enterprise is also controlled by such individual or his relative, या सिर्फ relative, या तो individual या फिर only relative
or jointly by such individual and relative of such individual, both are treated as associate enterprise. Last part, where one enterprise is controlled by HUF, मतलब एक HUF है और वो HUF किसी enterprise को control करता है, मान लो P Limited को, और भैया कंट्रोल एंड अदर एंटरप्राइज इज कंट्रोल बाय मेंबर, दूसरा एंटरप्राइज है उसको मेंबर या रिलेटिव ऑफ मेंबर वो मिलके कंट्रोल करते हैं, मान लो क्यू लिमिटेड है, तो लॉ मेकर्स बोलते हैं यहां पी लिमिटेड और क्यू लिमिटेड आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएगी. देखो क्या लिखा हुआ है कि वेयर वन एंटरप्राइज इज कंट्रोल बाय HUF, कौन कंट्रोल करता है वन एंटरप्राइज को, HUF, एंड द अदर एंटरप्राइज इज कंट्रोल बाय मेंबर ऑफ सच HUF और बाय अ रिलेटिव ऑफ मेंबर ऑफ सच HUF और जॉइंटली बाय सच मेंबर एंड हिज रिलेटिव, तो भैया उस केस में ये एसोसिएट एंटरप्राइज P लिमिटेड एंड Q लिमिटेड बन जाएगी. एंड लास्ट पार्ट ऑफ एसोसिएट एंटरप्राइज, एक बात समझना, जैसे अपन एक बात समझते हैं कि कंपनी में कंट्रोल वगैरह कब लिया जाता है, जब कितना परसेंट, 26% और मोर. लेकिन अगर बात फर्म की आती है, किसकी बात आती है, फर्म की, या एओपी बीओआई की बात आती है, किसकी बात आती है, एओपी बीओआई की, तो उस केस में अगर 10% और मोर का पीएसआर है, क्या बोला मैंने, जैसे एक फर्म है ठीक है और मान लो उसमें एक पार्टनर वगैरह है और यहां पे 10% और मोर का अगर पीएसआर है तो भी दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज माने जाएंगे. मतलब कंपनी के केस में कंट्रोल के लिए 26% और मोर देखा जाता है, लेकिन फर्म के केस में कंट्रोल के लिए भैया 10% और मोर का क्या देखा जाता है, पीएसआर, क्या देखा जाता है, पीएसआर. तो देखो, वेयर वन एंटरप्राइज इज फर्म एओपी और बीओआई and other enterprise hold not less than 10% interest in such firm AOP and BOI, 10% मतलब यहाँ पे भैया PSR से है, 10% PSR, तो both are treated as associate enterprise. जैसे मान लो कोई partner वगैरह है firm में या member वगैरह है, तो वहाँ पे अगर 10% और more का PSR है, both are treated as associate enterprise. चलो आपका कहाँ से लिखना बाकी है, जी मैं ये लिखना है क्या, हीरो होंडा, हाँ लिखो फटाफट लिखो, आराम से बेटा, आराम से.
डन पीपल, इसमें डन, that is the partner, it's partner, और मान लो उसका firm में या AOP BOI में 10% और more का PSR है, both are treated as associate enterprise, as partner, done, अब बोलो done, yes done. Chalo. So now we are going to revise everything. Whatever humne padha ho abhi tak. Chalo. All people please pay attention. Humne jo padha usko ek baar revise kar lete hain. Are bolo kar le. Kitne log bolte revise nahi karna, raise your hand. Acha sab log bol rahe revise karwa do. Chalo. We started with the transfer pricing section 92. Bolo 92. 92 is charging section. 92 ये बोलती है कि अगर मान लो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है बिटवीन एसोसिएट एंटरप्राइज, किस पे लाना पड़ेगा, आर्म लेंथ प्राइस. इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का मतलब ट्रांजैक्शन बिटवीन टू और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज, एटलीस्ट वन शुड बी नॉन. ट्रांजैक्शन सेल का हो सकता है, परचेज का हो सकता है, लैंडिंग का हो सकता है, बोरोइंग का हो सकता है, प्रोविजन ऑफ सर्विस का हो सकता है, अलोकेशन ऑफ कॉस्ट का हो सकता है. दिस ऑल कॉल एसोसिएट लाइक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन. अब एक बात समझना, जो ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में, एसोसिएट एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है, तो एसोसिएट एंटरप्राइज 92A में बताया, कहां बताया, 92A ये बोलती है, इफ वन एंटरप्राइज होल्ड 26% ऑफ मोर इक्विटी शेयर होल्डिंग ऑफ अदर एंटरप्राइज, बोथ आर वन एंटरप्राइज, 26 बोथ आर एसोसिएट, वन एंटरप्राइज अपॉइंट मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बोथ आर वन एंटरप्राइज एसोसिएट, वन एंटरप्राइज गिव्स लोन to the other enterprise that is 51% or more of total asset of other enterprise, both are one enterprise gives guarantee of total borrowing ka 10% or more, both are associate, one enterprise manufacturing process is totally depend on know-how, patent, copyright, formula, franchisee of other enterprise, both are associate, one enterprise manufacture the goods and sell to other and other enterprise influence the terms and condition and price, both are associate enterprise, one enterprise requirement of raw material का 90% or more supplied by other enterprise, both are treated as associate. One enterprise is controlled by individual, other enterprise controlled by individual or along with the relative, both are associate enterprise. One enterprise is controlled by HUF, other is controlled by the member or relative of such HUF, both are associate enterprise. ठीक है? In case of the partnership firm AOP BOI, if 10% or more का PSR, both are treated as associate enterprise. चलो, so now we are going to take the 5 to 10 minute का break. ब्रेक ले लो, एग्जैक्ट 10 मिनट्स का, पानी वानी पी लो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है?
यस ऑल पीपल डन विद द ब्रेक? ब्रेक हुआ तुम लोगों का? कितने लोग अभी तक ब्रेक कर रहे रेज़ योर हैंड? चलो सो होप सो सबका ब्रेक हो गया. किसका नहीं हुआ ब्रेक? सबका हो गया. चलो इधर देखो सब लोग. हाँ भाई ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन. इधर देखो, देखो क्या लिखा हुआ है. एक बात बताओ, वी स्टार्टेड विद सेक्शन 92 वो चार्जिंग सेक्शन, ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए जो मेन सेक्शन वाज 92. और 92 क्या बोलती थी कि अगर मान लो कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है, क्या है, किसके बीच में किस पे लाना पड़ेगा आर्म लेंथ प्राइस. इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन बाहर वाले ट्रांजेक्शन 92 बी में दे रखे हैं, एसोसिएट एंटरप्राइज 92 ए में और आर्म लेंथ प्राइस 92 सी में. ठीक है, तो 92B ऑलरेडी हो चुका, 92A ऑलरेडी हो चुका, अब क्या पढ़ेंगे 92C. कि सर ये आर्म लेंथ प्राइस निकालेंगे कैसे? क्या बोला मैंने? आर्म लेंथ प्राइस निकालेंगे, तो वो 92C में दे रखा है. अब एक बात समझना, 92C आपको ये बोलेगा कि आपको आर्म लेंथ प्राइस का कैलकुलेशन करना कैसे है. क्या बोलेगा? बोलो ना, तो मुंह खोलो ना. हाँ, आपको करना क्या है? आर्म्स लेंथ प्राइस का कैलकुलेशन करना कैसे? आर्म लेंथ प्राइस, आर्म्स लेंथ प्राइस, ठीक है. हाँ, अब एक बात समझना, आर्म लेंथ प्राइस का कैलकुलेशन कैसे करना है. तो लॉ मेकर्स ने बेसिकली यहां पे 6 मेथड दे रखी है. कितनी मेथड दे रखी है? 6 में से आपको जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड लेके आर्म लेंथ प्राइस निकालना है. कौन सी मेथड लेके? मोस्ट अप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है? मोस्ट अप्रोप्रिएट मतलब जो बेस्ट हो, जो ट्रांजेक्शंस पे बेस्ट हो, मतलब आपके जो ट्रांजेक्शन है उस पे जो बेस्ट मेथड हो वो मेथड लेके आप आर्म लेंथ प्राइस निकालो. अब एक चीज समझना, तो 92C का सबसेक्शन 1, बोलो सबसेक्शन 1. सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? देखो, द आर्म लेंथ प्राइस, द आर्म्स लेंथ प्राइस इन रिलेशन टू इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन शैल बी डिटरमाइंड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स. ये कुछ मेथड दे रखी है, उसमें से आपको कोई भी लेनी है. बींग द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड having regards to the nature of transaction or class of transaction or class of associated person or function performed by such person or such other relevant factor as board may be prescribed. मतलब आपको क्या करना है कि जो associate enterprise के बीच में जो transactions है, जो functions perform हो रहे हैं, जो class of association associate person है, उसके basis पे आपको जो best method लगता है, वो बेस्ट सूटेबल मेथड है, वो आपको लेना है. दैट इज कॉल्ड योर मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड. अब एक बात समझना, यहां पे टोटल 6 मेथड है. बोलो कितनी मेथड है? 6. सबसे पहली मेथड है, उसको कप मेथड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कप मेथड. कप मेथड का फुल फॉर्म होता है दैट इज कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड. क्या बोला मैंने? इसको अपन शॉर्ट में बोलेंगे कप मेथड. क्या बोलेंगे? कप. कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस. दूसरी मेथड होती है दैट इज कॉल्ड रीसेल प्राइस मेथड. कौन सी मेथड? रीसेल प्राइस मेथड, जिसको आरपीएम बोलेंगे. तीसरा कॉस्ट प्लस मेथड, जिसको सीपीएम बोलेंगे. चौथा प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, जिसको पीएसएम बोलेंगे. पांचवा ट्रांजेक्शनल नेट मार्जिन मेथड, जिसको टीएनएमएम बोलेंगे. और लास्ट सच अदर मेथड एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द बोर्ड. अगर बोर्ड और भी कोई मेथड प्रिस्क्राइब करता है तो. मतलब आपको याद कितनी मेथड रखनी है? 5. सबसे पहला कप मेथड, दूसरा रीसेल प्राइस मेथड, तीसरा कॉस्ट प्लस मेथड, चौथा प्रॉफिट स्प्लिट मेथड और पांचवा ट्रांजेक्शनल नेट मार्जिन मेथड. अपन एक एक मेथड है उसको अपन डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. तो अपन एक एक मेथड सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4 पढ़ने से पहले हम लोग मेथड सीखना चालू करेंगे. और सबसे पहली मेथड है दैट इज कॉल योर कप मेथड. कौन सी मेथड? कप. अब एक बात समझना, जो कप मेथड है ये सब मेथड कैसे दे रखी है, कहां दे रखी है? रूल्स में दे रखी है. कहां दे रखी है? रूल्स में.
इनकम टैक्स रूल्स के रूल नंबर 10 बी है और उस 10 बी में मेथड दे रखा है कि आर्मलिंग प्राइस कैसे निकालने का। और सबसे पहली मेथड अपन सीखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड और आई कैन से दैट द कप मेथड। सबसे पहले मैं आपको कप मेथड सिखाने वाला हूं, तो स्टार्ट करते हैं कप मेथड क्या होता है, कैसे होता है और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सब लोग बड़ा ध्यान देना करके, ठीक है। ये मेथड जो है कप मेथड, ये एग्जाम में सबसे ज्यादा आती है, एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कप मेथड से पूछे जाते हैं। एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस है वो आपको कप मेथड से मिलेंगे। तो कप मेथड क्या बोलती है, कैसे बोलती है, एक एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ बोर्ड पर देखते जाओ, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। इंडिया की एक कंपनी है जिसका नाम है, जैसे मान लो ये तुम्हारा इंडिया है, ये तुम्हारा फॉरेन है, इंडिया और ये फॉरेन। इंडिया की एक कंपनी है जिसका नाम है मान लो मधुर लिमिटेड, और फॉरेन की एक कंपनी है जिसका नाम है मान लो सनी लिमिटेड। इंडिया की एक कंपनी मधुर लिमिटेड, फॉरेन की एक कंपनी सनी लिमिटेड। नाउ मधुर लिमिटेड होल्ड्स 30% ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ सनी लिमिटेड। मतलब मैं बोलू मधुर लिमिटेड और सनी लिमिटेड दोनों आपस में क्या है, एसोसिएट एंटरप्राइज। ये दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज है, मधुर लिमिटेड, मधुर लिमिटेड एंड सनी लिमिटेड बोथ आर एसोसिएट एंटरप्राइज। ये दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज है। अब क्या हुआ इस साल, ये जो मधुर लिमिटेड है ना, इसने सनी लिमिटेड को 12,000 यूनिट्स बेची है, यूनिट्स सोल्ड। मतलब कोई प्रोडक्ट रहेगा एक्स वाई जेड प्रोडक्ट, उसकी 12,000 यूनिट सोल्ड की है एट द रेट 3,000 पर यूनिट। मतलब इंडिया से सेल हो रहा है, इंडिया से क्या हो रहा है, सेल। देखो मधुर लिमिटेड होल्ड 30% शेयर ऑफ द सनी लिमिटेड एंड मधुर लिमिटेड सोल्ड 12,000 यूनिट एट द रेट 3,000 पर यूनिट। 3,000 पर यूनिट की रेट से सेल की है, 12,000 यूनिट जो कि अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को सेल की है। लेकिन एक बात समझना, ये जो मधुर लिमिटेड है ना, ये सेम प्रोडक्ट एक और कंपनी है जिसका नाम है मान लो पूनम लिमिटेड, एक और कंपनी है जिसका नाम है मान लो पूनम लिमिटेड, पी लिमिटेड। ये आउटसाइडर है, ये क्या है, आउटसाइडर। ये मधुर लिमिटेड सेम प्रोडक्ट पूनम लिमिटेड को भी बेचता है, मधुर लिमिटेड है वो सेम प्रोडक्ट पूनम लिमिटेड को भी बेचता है, लेकिन पूनम लिमिटेड को इस साल 1500 यूनिट्स बेची है सोल्ड एट द रेट 5,000 पर यूनिट। कितनी यूनिट बेची है, कितनी यूनिट बेची है, 5,000। तुम सच बताओ मर क्यों नहीं जाते, मैं बोल रहा हूं कितनी यूनिट बेची है, 5,000। अरे लिखा है 1500 यूनिट सोल्ड एट द रेट 5। बहुत सारे लोगों ने दिमाग में क्या बनाया कि जो पहले वाली लाइन बोली होती है वो बोलती है, वो रिपीट करती रहती है, ठीक है। ये जब भी बोलते हैं बोलो मतलब वो पहले जो लाइन खत्म होती है वो रिपीट करती रहती है, ठीक है, ऐसा सोचा हुआ है आधे लोगों ने, ठीक है। तुम कहां से लेके आते हो दिमाग, मैं पूछ रहा हूं, मैं बता रहा हूं लिखा हुआ है 1500 यूनिट, बोले कितनी यूनिट बेची है वो गधा, ठीक है, बोलता है 5,000। वापस पूछा कितनी यूनिट, बोलता है 5,000, ठीक है। बाद में तुझे सही बोला, अरे भाई क्या बोले अब तुमको, छोड़ो कोई मतलब नहीं बोलने से, चलो वापस से क्वेश्चन को देखना, ठीक है। बात में थोड़ी देर बाद लगेगा क्या था, कहां पे किसका होल्डिंग था, क्या था, सब खत्म हो गया, ठीक है।
देखो मधुर लिमिटेड जो इंडिया की कंपनी है, जो फॉरेन की एक कंपनी सनी लिमिटेड को 12,000 यूनिट सेल करती है 3,000 पर यूनिट की रेट से, और 1500 यूनिट पूनम लिमिटेड को सेल करती है जो आउटसाइडर है, उसको 5,000 पर यूनिट से सेल किया। ठीक है, एक बात बताओ मुझे, इन दोनों ट्रांजेक्शन में से झोल कौन से ट्रांजेक्शन में हो सकता है? झोल, झोल मतलब गड़बड़, इन प्रॉब्लम कौन से ट्रांजेक्शन में हो सकती है? ऊपर या नीचे वाले में? ऊपर या नीचे? उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एक बात बताओ, आपको देखते ही प्रॉब्लम लग रही है कि नहीं लग रही? लग रही है प्रॉब्लम कि नहीं लग रही है? क्योंकि बाहर वालों को बेचते हो तब तो कितने में बेचते हो? 5,000 में, और अपने एसोसिएट एंटरप्राइज को कितने में बेचते हो? 3,000। मतलब मैं बोलूं इन दोनों में से प्राइस कौन सी वाली में प्रॉब्लम है? 3,000 में। मतलब ये जो 3,000 आपने लिया है ये प्रॉब्लम हो सकती है, यहां पे झोल हो सकता है, यहां पे मतलब आपका कम प्राइस में आप बेचा हुआ ऐसा हो सकता है करके। ठीक है, अब एक बात समझना, तो सिंपल अगर एक वर्ड में पूछूं आपको कि इस ऊपर वाले में से 3,000 लिया है लेकिन आर्म लेंथ प्राइस क्या होनी चाहिए? 5,000, क्योंकि बाकी को आप कितने में बेच रहे हो? 5,000 में। तो आपकी आर्म लेंथ प्राइस क्या होनी चाहिए? 5,000। क्या होनी चाहिए? 5,000। अब एक चीज समझना, मैं आपको ये बोलूं क्या, मैं आपको यहां पे एक और लाइन थी ना कहीं पे, लाइन चली कहां, ऊपर थी या नीचे थी? इसके नीचे थी, कुछ भी मिली लाइन, हाँ आ गई वापस। हाँ तो एक बात समझना, मधुर लिमिटेड इज अ कंपनी, दे सोल्ड सर्टेन प्रोडक्ट टू द सनी लिमिटेड एट 3,000 पर यूनिट, 12,000 यूनिट, बट सेम प्रोडक्ट सोल्ड टू द पूनम लिमिटेड 1,500 यूनिट एट 5,000 पर यूनिट। अब एक चीज समझना, ये आउटसाइडर है, ये सनी लिमिटेड है, वो बेचारा इनसाइडर बेसिकली, यू कैन से दैट करके, ठीक है, जो तुम्हारे पहचान वाला है। लेकिन एग्जाम में इतना ही क्वेश्चन नहीं आता है, इतना ही पूछा, ये क्वेश्चन दिया और बोला आर्म लेंथ प्राइस निकालो, ठीक है, तो आप बोलोगे यस 5,000 लो 5 मार्क, ठीक है, ऐसा नहीं आता है। ठीक है, वो आपको कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड कुछ नोट्स, वर्किंग नोट्स वगैरह कुछ देंगे। अब इससे रिलेटेड आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्या दिया रखिए? एडिशनल इंफॉर्मेशन, और ये स्टैंडर्ड एडजस्टमेंट है जो एग्जामिनर पूछता है जितने भी बार एग्जाम में आता है। सबसे पहला एडजस्टमेंट वो ये देता है कि सेल टू एस लिमिटेड ऑन एफओबी एंड सेल टू पी लिमिटेड ऑन सीआईएफ। सीआईएफ एफओबी पता है क्या? हाँ, सीआईएफ एंड कॉस्ट ऑफ insurance and freight is rupees 300 per unit. क्या लिखा मैंने? 300 per unit. भैया यहां पे ये लिखा कि भैया के सेल टू एस लिमिटेड मतलब सनी लिमिटेड को FOB पे सेल हो रहा है और पूनम लिमिटेड को CIF पे सेल हो रहा है और कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड फ्रेट है वो 300 पर यूनिट है। ये पहला एडजस्टमेंट नॉर्मली होता है करके, ठीक है। दूसरा एडजस्टमेंट मैक्सिमम टाइम ये आता है कि सिंस ऑर्डर फ्रॉम एस लिमिटेड मोर इन क्वांटिटी में ज्यादा था ऑर्डर उनका, कितना था? 12,000 यूनिट, 12,000। सो एम लिमिटेड प्रोवाइड डिस्काउंट ऑफ रुपीज 150 पर यूनिट। भाई ऑर्डर ज्यादा था तो 150 रुपए का डिस्काउंट देना मांगता है, 150 रुपए डिस्काउंट देते हैं। तीसरा एडजस्टमेंट ये बोलता है कि एम लिमिटेड प्रोवाइड वारंटी टू एस लिमिटेड वारंटी टू एस लिमिटेड एंड नॉट प्रोवाइड
टू पी लिमिटेड कॉस्ट ऑफ सेम इज रुपीज 100 पर यूनिट. आपसे पूछा हुआ है कैलकुलेट आर्म लेंथ प्राइस. आपको आर्म लेंथ प्राइस बतानी है. एक क्वेश्चन है, ठीक है. देखो अपन कौन सी मेथड पढ़ रहे हैं, कौन सी मेथड? ये देखो नाम लिखा हुआ है कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड और यू कैन से दैट द कप मेथड. हम कप मेथड पढ़ रहे हैं और कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड. अब एक बात समझना, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड और यू कैन से दैट द कप मेथड, ये मेथड अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है. अब एक चीज समझना, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड और कप मेथड है वो अपन सीखने जा रहे हैं. अब एक चीज समझना, आप मेरे को एक चीज बताओ, इन दोनों में से अगर मैं मान लो ये एडजस्टमेंट की बात नहीं करूं, सिर्फ ऊपर वाले ट्रांजेक्शन की बात करूं जो चार्ट बनाया हुआ है उसकी बात करूं, तो एक बात बताओ, ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में झोल हो सकता है, नीचे वाले ट्रांजेक्शन में झोल नहीं हो सकता? तो ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में जो 3000 चार्ज किया इसकी जगह कितना होना चाहिए? 5000. एक बात बताओ, इन दोनों ट्रांजेक्शन में से कंट्रोल ट्रांजेक्शन कौन सा और अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन कौन सा? ऊपर वाला क्या है, हा, कंट्रोल्ड कौन सा है और अनकंट्रोल्ड कौन सा है? नीचे वाला अनकंट्रोल या कंट्रोल? ये तुम्हारा अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन है, हा भाई, और ये तुम्हारा क्या है, ये कंट्रोल ट्रांजेक्शन है. एक बात समझना, तुम्हारा अनकंट्रोल नीचे वाला ट्रांजेक्शन, कंट्रोल तुम्हारा ऊपर वाला ट्रांजेक्शन, आपको मेथड कौन सा यूज करना है? कप मेथड. कप मतलब कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड. क्या नाम है? कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड. क्या नाम है? कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड. तो एक बात समझना, अब जब कप मेथड में आर्म लेंथ प्राइस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो अपन यहां पे इसका सॉल्यूशन चालू करते हैं. दैट इज कैलकुलेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस इन कप मेथड. अब एक चीज समझना, जब भी कप मेथड होता है तो कप मेथड में आर्म लेंथ प्राइस कैसे निकालेंगे, तो कप मेथड के केस में आर्म लेंथ प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले यू विल स्टार्ट द सॉल्यूशन विद द प्राइस चार्ज्ड, प्राइस चार्ज, जो भी तुम्हारा प्राइस चार्ज्ड और पेड, अगर परचेज वाला रहेगा तो पेड भी कर सकते हो, प्राइस चार्ज और पेड. आप ही बताओ चालू कहां से करना चाहिए, कंट्रोल से या अनकंट्रोल से? क्योंकि एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, आर्म लेंथ प्राइस 5000 होनी चाहिए भाई, यहां 3000 बताइए, 5000 होनी चाहिए. तो प्राइस चार्ज और पेड इन अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन. सबसे पहले ये देखो कि अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन में कितना प्राइस चार्ज या पे किया है. तो आप ही बताओ अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन में कितना 5000 किया है. तो सिंपल सी बात है, तुम्हारा आर्म लेंथ प्राइस कितना होना चाहिए? 5000. हाँ भाई देखो 5000 होना चाहिए, चलो आपकी बात मान लेते हैं कि भाई जो प्राइस है वो 5000 होना चाहिए, आर्म लेंथ प्राइस 5000 है, झोल वाला 3000 गलत है, 5000 है. लेकिन यार कुछ एडजस्टमेंट है उसका तो ध्यान रखो भाई, आप ऐसे ही थोड़ी बोल दोगे कि ये अच्छा ये दूसरों को बेचा है 5000 में तो तुम्हारा भी 5000. बट देयर आर सर्टेन एडजस्टमेंट यार, देयर आर सर्टेन डिफरेंस बिटवीन बोथ द ट्रांजैक्शन, एटलीस्ट उनको तो आप डिफरेंस का एडजस्टमेंट तो दो. तो उसके बाद आप क्या करोगे, इसमें से कुछ चीजें ऐड या लेस होगी, दैट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एंड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कौन सा रहेगा तुम्हारा, एसोसिएट एंटरप्राइज वाला एंड अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन. दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस के तो आप एडजस्टमेंट करो. चलो अपन एक 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 एडजस्टमेंट ध्यान से सीखते हैं. एक बात बताओ, ऊपर देखना भैया, एक बार में समझ लेना.
सिंपल सी बात बोले अपन कि भाई ये मधुर लिमिटेड झोल ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में कर रहा है, तो बिना झोल वाला ट्रांजेक्शन कितना 5,000, तो सिंपल सी बात बोले वहां पे भी 5,000 चार्ज होना चाहिए। लेकिन कुछ डिफरेंसेस है, कुछ एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट क्या है? सबसे पहला कि सेल टू एस लिमिटेड, मतलब एस लिमिटेड मतलब ये सनी लिमिटेड की बात हो रही है, इसको जो सेल कर रहे हैं ना वो सेल किस पे कर रहे हैं पता है? एफओबी पे। हाँ भाई। एंड सेल टू पी लिमिटेड, पूनम लिमिटेड, इसको सेल कर रहे हैं सीआईएफ पे। किस पे सेल कर रहे हैं? सीआईएफ। ऊपर वाले को एफओबी पे और नीचे वाले को सीआईएफ पे। ऊपर वाले को एफओबी पे, सनी को एफओबी पे, नीचे वाले को सीआईएफ पे, और कॉस्ट ऑफ रेट एंड इंश्योरेंस 300 रुपया पर यूनिट का लग रहा है। मतलब हर यूनिट का जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ रेट एंड इंश्योरेंस का जो खर्चा है वो 300 रुपया लग रहा है। इसका मतलब एक बात बताओ, मैं ये बोलू, जब आप एफओबी पे सेल करते हो, जब आप एफओबी पे सेल करते हो तो इंश्योरेंस एंड फ्रेट आगे वाला देगा। क्या बोला मैंने? संजय को बुलाना एक बार। जब आप एफओबी पे सेल करते हो तो भैया इंश्योरेंस एंड फ्रेट का जो खर्चा है वो आगे वाला देगा। हाँ भाई, मतलब इंश्योरेंस एंड फ्रेट आगे वाला देगा। लेकिन जब आप सीआईएफ पे सेल करते हो तो इंश्योरेंस एंड फ्रेट का खर्चा आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। आईडीटी में जब आप कस्टम पढ़ोगे तो कस्टम में ये चीजें आएगी, और आपने अगर पढ़ लिया होगा तो आपने ये चीजें पढ़ी होगी कि एफओबी पे जब सेल करते हो, एफओबी मतलब, तो भैया एफओबी पे जब आप सेल करोगे तो जो तुम्हारा इंश्योरेंस एंड फ्रेट का खर्चा है, किसका खर्चा, वो इंश्योरेंस एंड फ्रेट का खर्चा कौन देने वाले हो? आगे वाला देने वाला, अपने को देने की जरूरत नहीं। लेकिन भैया जब आप सीआईएफ तक सेल करते हो तो इंश्योरेंस एंड फ्रेट का खर्चा आपको अपनी जेब से देना है। आप समझा के नहीं समझा? जब आप एफओबी पे सेल करते हो तो इंश्योरेंस एंड फ्रेट का खर्चा कौन देगा? कोई मतलब नहीं है चिल्लाने से। एफओबी पे सेल करते हो तो इंश्योरेंस एंड फ्रेट का खर्चा कौन देगा? बायर देगा। एंड सीआईएफ पे सेल करते हो, हेलो, अरे भाई साहब ये हो ही नहीं। हाँ हुआ। ओके, सो एक बात बताओ, आप अगर एस लिमिटेड सनी लिमिटेड को एफओबी पे सेल करते हो तो एफओबी पे सेल किया तो तुम्हारा इंश्योरेंस एंड फ्रेट का खर्चा आगे वाला देगा। लेकिन अगर आपने सीआईएफ पे सेल किया तो इंश्योरेंस एंड फ्रेट का खर्चा अपने को देना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, इस केस में अपन दे रहे हैं तो अपन क्या बोलेंगे? एक बात बताओ, जब पूनम को सेल कर रहे हैं तो सीआईएफ और एफओबी का खर्चा अपनी जेब से 300 जाने वाला है। तो एक बात बताओ, जब एफओबी पे अपन सेल करेंगे तो सस्ता करेंगे या सीआईएफ पे सेल सस्ता करेंगे? हाँ भाई, दोनों में से सस्ता सेल कहां पे करेंगे? एफओबी पे। और मैं अगर उल्टा बोलूं कि महंगा सेल कहां पे करेंगे? सीआईएफ। क्योंकि सीआईएफ पे आपको इंश्योरेंस एंड फ्रेट अपनी जेब से देना है, और एफओबी में क्या होता है, जो इंश्योरेंस फ्रेट सामने वाला देने वाला है करके, ठीक है? तो एक बात समझना है यहां पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब आप सनी लिमिटेड को जब एफओबी पे सेल कर रहे हो मतलब इंश्योरेंस फ्रेट का खर्चा कौन दे रहा है? आप देने वाले हो। हाँ भाई, कुछ भी बोलो सर, कोई मतलब नहीं है हम लोगों को, आप खुद बोलो, ये बोलो, वो बोलो, सॉल्यूशन बता दो हमको बस। दांत निकाल रहे, शर्म भी नहीं आ रही इनको, ठीक है, बेशर्मों को ऐसा वो उसका एक टाइमिंग होता है, और वो ऐसा नहीं, ऐसे टाइप पे नहीं बोलते, ठीक है, जब डांट रहे तब नहीं बोलते हो पागल लोग। हाँ, ओ तुम सो जाओ ना, मतलब यहां आते क्यों, घर पे ही रह लिया करो, ऐसे फालतू दुखी हो के यहां तक आने का और फिर बैठने का और ऑफिस जाने का और
सुबह से ऑफिस 7 बजे से और क्लास और ऑफिस और जिंदगी एकदम खराब होगी। क्या बोल रहे तो और यहाँ पे एफओवी पे हाँ ज्यादा हाँ कुछ भी बोलो, कुछ भी जो मर्जी आए वो बोलोगे, आप जो बुलाना चाहो वो बोल लेंगे हम, ठीक। आप ये बोलोगे बोलो बस, हम बोल लेंगे। एक बात बताओ, जब आप एफओबी पे सेल कर रहे हो तो इंश्योरेंस रेट का खर्चा आगे वाला देगा, और सीआईएफ पे कर रहे हो तो आप खुद दोगे। एक बात बताओ, जब आप सीआईएफ पे सेल कर रहे हो तो आप 5000 में कर रहे हो, हाँ भाई पूनम लिमिटेड को आप 5000 में कर रहे हो, तो सनी लिमिटेड को मैं बोलू 300 रुपया कम में करना चाहिए, करना चाहिए कम में के नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पे इंश्योरेंस रेट का खर्चा आगे वाला दे रहा है। तो एक बात बताओ, आर्म लेंथ प्राइस निकालने के लिए सबसे पहला जो इंश्योरेंस रेट है उसके लिए मैं ऐड करूं या लेस करूं? मैं चालू कर रहा हूं अनकंट्रोल्ड प्राइस लेके 5000 लेके, तो क्या करूं, ऐड करूं या लेस? लेस इंश्योरेंस एंड रेट कितना है 300 रुपया। चलो दूसरा, ठीक है चलो पहला तो हुआ, दूसरा बोला ना दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। हाँ ये अभी ये कोई दिमाग है क्या? तो भी आधे लोगों को देखेंगे, आधे लोग तो भी देखेंगे ऐसे कैसे हुआ, ऐसे ऐसे कैसे हुआ, ठीक है हाँ होगा। हाँ हेलो, हाँ दूसरा पॉइंट, सिंस ऑर्डर फ्रॉम एस लिमिटेड मोर इन क्वांटिटी, मतलब इससे ज्यादा क्वांटिटी में कितनी यूनिट, 12000 हाँ भाई, और इससे 1500, और ज्यादा क्वांटिटी में इसको 150 रुपया पर यूनिट डिस्काउंट देते हैं। भाई ज्यादा क्वांटिटी में तो डिस्काउंट देना मांगता है कि नहीं? हाँ भाई ज्यादा क्वांटिटी में तो उसका डिस्काउंट बनता है। अब एक बात बताओ, जब कम क्वांटिटी में बेच रहे तो 5000 में बेच रहे, तो जब ज्यादा क्वांटिटी में खरीद रहा है उससे कम लेंगे या ज्यादा लेंगे? कम लेंगे या ज्यादा लेंगे? तो मैं ऐड करूं या लेस करूं? लेस। तो लेस में क्या लिखूंगा मैं, डिस्काउंट कितना है 150। अब एक बात बताओ, तीसरा पॉइंट, एम लिमिटेड प्रोवाइड्स वारंटी टू एस लिमिटेड, एस लिमिटेड को वारंटी भी देते हैं मान लो 6 महीने आज आप साल भर का, एंड नॉट प्रोवाइड टू पी लिमिटेड, और अपनी वारंटी की कॉस्ट है वो 100 रुपया आती है एक प्रोडक्ट की, ठीक है 100 रुपया पर यूनिट। एक बात बताओ, एस लिमिटेड ऐसी कंपनी है जिसको वारंटी भी देते हैं और पी लिमिटेड को वारंटी नहीं देते। एक बात बताओ, जिसको वारंटी देंगे उससे ज्यादा चार्ज करेंगे या जिसको वारंटी नहीं देंगे उससे ज्यादा चार्ज करेंगे? जिसको वारंटी देंगे उससे ज्यादा चार्ज करेंगे। अब एक बात बताओ, जिसको नहीं दे रहे उससे कितना, 5000 चार्ज कर रहे हैं? तो मैं बोलूं जिसको दे रहे उससे तो और 100 रुपया ज्यादा चार्ज करना चाहिए। तो ऐड करूं या लेस करूं? ऐड करूं या लेस? ऐड। तो ऐड तुम्हारा वारंटी का कॉस्ट है वो ऐड हो जाएगा 100। बताओ कितना आया, कितना 4650। ये तुम्हारा आया आर्म लेंथ प्राइस। अब एक बात समझना, आपने प्राइस बताई कितनी थी 3000, तो मैं बोलू कि भैया यहां पे प्रॉफिट है वो इंक्रीज करना पड़ेगा ऑफ कौन सी कंपनी का, एम लिमिटेड, और कितने से इंक्रीज करना पड़ेगा मैं बोलू 1650 मल्टीप्लाई बाय 12000 यूनिट, हाँ भाई, तो इससे इनका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इतने से प्रॉफिट इंक्रीज करना पड़ेगा। तो कप मेथड, देखो नाम से पता चलेगा कप मेथड, कप का फुल फॉर्म क्या, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस। तो सबसे पहले आप कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस ढूंढ लो, कि कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस अगर है तो वो कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस पे ले लो, उसमें देखो जो डिफरेंसेस है उसके एडजस्टमेंट करो, और लास्ट में जो भी बचता है दैट इज कॉल्ड योर आर्म लेंथ प्राइस। क्या बच जाएगा, आर्म लेंथ प्राइस। देखो क्या लिखा हुआ है, सो एक बार पढ़ते हैं फिर कॉपी करने को देता हूं। सबसे पहले डिटरमाइन द प्राइस चार्ज और पेड फॉर द प्रॉपर्टी ट्रांसफर और सर्विस प्रोवाइडेड इन कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन। पहले जो कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन है, तो एक बात बताओ, अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन अपना कौन सा, पूनम वाला था, 5000 लिया अपने वहां से चालू किया, सच प्राइस देन एडजस्टेड टू द अकाउंट ऑफ फंक्शनल डिफरेंसेस बिटवीन द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन
and the comparable uncontrolled transaction which could material effect the price in the open market. दोनों के बीच में जो functional differences है उसके adjustment कर लो. Such adjusted price is called your arm length price. जो adjusted price आएगी वो तुम्हारी क्या आ जाएगी? Arm length price. अपन ने कौन सा method पढ़ा अभी तक? कौन सा method पढ़ा? कब का full form क्या? Comparable अगर तुम्हारे पास कोई कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस है तो वो ले लो. फंक्शनल डिफरेंसेस के एडजस्टमेंट कर लो. आपको क्या मिल जाएगा? आर्म लेंथ प्राइस. क्या मिल जाएगा? आर्म लेंथ. इज इट क्लियर और नॉट? अरे बोलो यस और नो. चलो डन. एक बार इसको कॉपी मारो. कॉपी करो फटाफट.
डन पीपल, ऑल पीपल डन, कितने लोग स्टिल डूइंग रेज योर हैंड, हो गया सब लोगों का, चलो कितने लोग स्टिल डूइंग, सब लोगों का हुआ, चलो नाउ अभी तक अपन ने फर्स्ट मेथड पढ़ा, दैट इज द कप मेथड, बोलो कप मेथड, कप मेथड मीन्स कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, क्या बोलेंगे कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस, ये मेथड कब यूज होती है, जब आपके पास कंपेरेबल ट्रांजेक्शन है, क्या बोला मैंने कंपेरेबल ट्रांजेक्शन है, इफ यू हैव द कंपेरेबल ट्रांजेक्शन, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन जब आपके पास है तो ये मेथड यूज होती है, और इसमें क्या होता है कि आप कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस है वो पहले ले लो और दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है उसका एडजस्टमेंट दे दो, आपका लास्ट में बचेगा इट इज कॉल्ड योर आर्म लेंथ प्राइस, चलो नाउ सेकेंड मेथड इज रिलेटेड टू द रीसेल प्राइस मेथड, क्या नाम है रीसेल, रीसेल का मतलब क्या होता है, मतलब कोई भी गुड्स या सर्विसेज खरीद के वापस आगे क्या करना, रीसेल इज कॉल्ड रीसेल, अब एक चीज समझना रीसेल प्राइस मेथड बेसिकली कहां यूज होती है कैसे यूज होती है समझने की कोशिश करना, जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेता हूं चीजों को समझने की कोशिश करना, जैसे सपोज एक इंडिया की कंपनी है जिसका नाम है पी लिमिटेड, ये कहां की कंपनी है इंडिया, और एक फॉरेन की कंपनी है और उसका नाम है मान लो आर लिमिटेड, क्या नाम है आर, एक इंडिया की कंपनी पी लिमिटेड फॉरेन की, सॉरी इंडिया की कंपनी पी लिमिटेड फॉरेन की कंपनी आर लिमिटेड, और ये दोनों मान लो आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज है, क्या है एसोसिएट एंटरप्राइज, ये इंडिया की कंपनी है पी लिमिटेड फॉरेन की कंपनी आर लिमिटेड एंड बोथ आर एसोसिएट एंटरप्राइज, अब एक बात समझना होता क्या है, ये आर लिमिटेड इंडिया की एंटरप्राइज को कुछ गुड्स सेल करती है, क्या करती है सेल, सेल करती है मतलब इंडिया की कंपनी क्या कर रही है, हाँ भाई बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्या आर लिमिटेड पी लिमिटेड को क्या कर रही है सेल, तो इंडिया की कंपनी क्या करेगी परचेस, तो पी लिमिटेड परचेस कर रही है और परचेस कर रही है वो कितने में परचेस कर रही है पता है 50,000 में, बोलो कितने में परचेस कर रही है 50,000, ठीक है 50,000 में परचेस कर रही है, और पी लिमिटेड यहां पे परचेस जब करती है तो परचेस रिलेटेड कुछ खर्चे भी करती है, मान लो 7,000, कितने का खर्चा किया 7,000, मतलब आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो आपने परचेस कितने में किया 50,000 में परचेस किया और परचेस रिलेटेड खर्चा कितना किया 7,000, अब होता क्या है पी लिमिटेड उसी गुड्स को वापस से रीसेल कर देती है, क्या कर देती है रीसेल, क्या कर देती है रीसेल, उसी गुड्स को वापस से रीसेल कर देती है और रीसेल करती है वो मान लो रीसेल प्राइस है, सेलिंग प्राइस इज सपोज 60,000, 60,000 में रीसेल कर दिया, चीजों को समझना, 50,000 में परचेस किया पी लिमिटेड ने, 7,000 खर्चा भी किया और वापस से उसको रीसेल कितने में कर दिया 60,000 में उसको रीसेल कर दिया, अब आप एक चीज को समझना ट्राई टू अंडरस्टैंड भाई, रीसेल कर दिया 60,000 में किसी आउटसाइडर को, किसको रीसेल किया आउटसाइडर, मान लो जेड लिमिटेड कोई करके है जो आउटसाइडर है उसको रीसेल किया 60,000 में, एक बात बताओ इसमें झोल कौन सी प्राइस पे हो सकता है, झोल कहां पे होगा, हाँ 50,000 यहां पे झोल हो सकता है, ये जो प्राइस है ये प्राइस इन्फ्लुएंस हो सकती है, ये प्राइस गलत हो सकती है, इस प्राइस में झोल हो सकता है, इस कॉल योर ये जो 50,000 है इस 50,000 में प्रॉब्लम हो सकती है, ये जो 50,000 है इस 50,000 में प्रॉब्लम हो सकती है, ये झोल वाली प्राइस है, अब एक बात समझना पता चलता है कि जो पी लिमिटेड है ना, देखो हुआ क्या, सिर्फ आपने क्या किया आर लिमिटेड से कुछ गुड्स 50,000 में खरीदा और उसको रीसेल कितने में किया, कितने में किया
मिल परचेज फॉर 50,000 एंड रीसेल इन 60,000, परचेज 50 में किया, रीसेल कर दिया 60,000 में, ठीक है। अब आपने परचेज रिलेटेड खर्चे भी 7,000 किए हैं। अब पता चलता है कि इसी ट्रांजेक्शन, ऐसे ही ट्रांजेक्शन अगर पी लिमिटेड करती है तो इसका नॉर्मल जीपी मार्जिन है, क्या बोला मैंने, नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो 20% होता है। कितना होता है? 20। ये एक स्टैंडर्ड है कि भाई मान लो अगर पी लिमिटेड ऐसे ही ट्रांजेक्शन करती है तो नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है? 20%। मतलब एटलीस्ट 20% तो कमाते हैं। नॉर्मल जीपी मार्जिन इज 20%। कितना है? 20%। वापस से आर लिमिटेड सेल करती है पी लिमिटेड को, और पी लिमिटेड सेल किसको करती है? जेड लिमिटेड को, वो रीसेल। तो रीसेल प्राइस मेथड में मतलब क्या होता है रीसेल प्राइस मेथड का, कि आप अपने एसोसिएट एंटरप्राइज से कोई चीज परचेज कर रहे हो और उसको आगे क्या कर रहे हो? रीसेल। क्या कर रहे हो? रीसेल। अब आपको इसमें आर्म लेंथ प्राइस निकालना है। एक बात बताओ, सही वाला प्राइस कौन सा प्राइस सही करना पड़ेगा, जो करेक्ट निकालना पड़ेगा कौन सा वाला? 50,000, क्योंकि झोल इसी पे हो सकता है करके, ठीक है। आपने परचेज किया और फिर आपने रीसेल किया, परचेज किया 50,000 में, आपने रीसेल कर दिया 60,000 में, और तुम्हारे तुमने परचेज रिलेटेड खर्चे और तुमने किए 7,000 के, लेकिन भैया नॉर्मल जीपी मार्जिन है वो 20% है। भाई तुम अगर सेम ऐसा का ऐसा ट्रांजेक्शन करते, सेम यही ट्रांजेक्शन किसी और के साथ करते तो तुम कितना कमाते? 20% जीपी कमाते, ग्रॉस प्रॉफिट 20%। अब मान लो आप तो बोलोगे हम तो ऐसा ट्रांजेक्शन करते ही नहीं, हम तो सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन करते ये वाला, हम तो बाकी से करते ही नहीं। तो एक काम करो, फिर आप मार्केट का जीपी ले लो। भाई आपका जीपी पता नहीं तो मार्केट, जिस इंडस्ट्री में आप हो, अगर दूसरे सेम ट्रांजेक्शन करते तो जीपी कितना कमाते? तो अपने को पता चला नॉर्मल जीपी इज 20%। कितना लिया आपने? नॉर्मल जीपी इज 20। अब एक बात समझना, इसमें आप आर्म लेंथ प्राइस कैसे निकालोगे? तो देखो अपन, कोई बता सकता है आर्म लेंथ प्राइस? 41 48। आर्म लेंथ प्राइस क्या हो सकता है? आर्म लेंथ प्राइस क्या हो सकता है? आर्म लेंथ प्राइस, चलो मैं बताता हूं, कैलकुलेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस, मतलब ये जो 50,000 पिंक किया हुआ है हाईलाइट, ये वाला सही नहीं है, इसकी जगह सही प्राइस निकालना है। तो आप कैलकुलेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस कैसे निकालोगे? सबसे पहले यू विल स्टार्ट विद द रीसेल प्राइस। किससे चालू करोगे? resale. और रीसेल प्राइस, एक बात बताओ तुम्हारा रीसेल प्राइस कितना है? 60,000। हाँ भाई, आप रीसेल प्राइस से चालू करो, मेथड का नाम क्या है? रीसेल प्राइस। आप पहले रीसेल प्राइस से चालू करो। अब रीसेल प्राइस है वो तुम्हारा 60,000 है, इसमें से आप क्या लेस करोगे? सबसे पहले लेस करो योर नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। हाँ भाई, तो मैं बोलूं तुम्हारा 20% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, मान लो सेल्स पे दे रखा है, अगर कभी कॉस्ट पे दे रखा है तो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू ऑन द सेल्स, तो सेल्स पे जीपी मार्जिन मतलब 12,000। हाँ भाई, एक बात बताओ, 12,000 तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, मीन्स आई कैन से दैट तुम्हारी टोटल कॉस्ट कितनी आनी चाहिए? 48,000 आनी चाहिए। हाँ भाई, और आपने तो कुछ परचेज रिलेटेड खर्चे भी 7,000 के किए हैं ना रे। हाँ भाई, तो मैं बोलू इसमें से आपने परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस किए हैं वो कितने? 7,000 किए हैं। तो मैं बोलू आपको सही में परचेज कितने में करना चाहिए था? 41,000। एक बात बताओ, यहां आप परचेज कितने में कर रहे हो? 50, मतलब आप अपने एसोसिएट एंटरप्राइज से परचेज कर रहे हो, मतलब कॉस्ट ज्यादा डाल रहे हो। तो भैया आर्म लेंथ प्राइस 41, मतलब कॉस्ट कम आनी चाहिए। मतलब मैं बोलू प्रॉफिट कितने से बढ़ जाएगा? प्रॉफिट ऑफ कौन सी कंपनी का? पीआर। अपन भैया पी लिमिटेड का आर्म लेंथ प्राइस निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं? पी लिमिटेड। तो प्रॉफिट ऑफ पी लिमिटेड इंक्रीज बाय रुपीज 9,000 से आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। अब एक बात समझना,
अब यह किसी को पता नहीं चला 41,000 कैसे आया आर्म लेंथ प्राइस। तो एक और चीज, आपने आईपीसीसी से लेके क्या 11-12 से लेके आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा होगा, ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते होंगे। हाँ भाई बढ़िया, तो यही था प्रॉफिट एंड लॉस। एक बात बताओ, बाय साइड में सेल कितना है? हाँ 60,000। अब एक बात समझना, टू साइड में तुम्हारा, टू साइड में परचेज रिलेटेड खर्चा कितना है? 7,000। एक बात बताओ, तुम्हारा जीपी कितना आना चाहिए? 12,000। हाँ भाई ये देखो, ये वाला पीएनडल देखो, पीएनडल में तुम्हारा बाय साइड में सेल 60,000 है, 20% जीपी, तो जीपी कितना आना चाहिए? 12,000। 7,000 तुमने परचेज रिलेटेड खर्चा किया, तो तुम ही बताओ परचेज कितने पे करना चाहिए? 41,000। समझा के नहीं समझा, समझा के नहीं समझा। इट इज कॉल्ड योर रीसेल प्राइस मेथड। कौन सी मेथड? रीसेल प्राइस। अरे बोलो रीसेल प्राइस मेथड। चलो वापस से एक बार इधर देखो क्या लिखा हुआ है, मैं आपको लिखा हुआ एक बार पढ़ाता हूँ, बहुत सारे लोगों को लिखने में बड़ी जल्दी है, ठीक है। हाँ देखो, द प्राइस एट विच द प्रॉपर्टी परचेज या सर्विस ऑब्टेन बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम एन एसोसिएट एंटरप्राइज आर सोल्ड टू अनरिलेटेड एंटरप्राइज फर्स्ट डिटरमाइंड। मतलब जो आपने प्रॉपर्टी या सर्विस ऑब्टेन की थी अपने एसोसिएट एंटरप्राइज से, वो आपने आउटसाइडर को रीसेल कितने में किया सबसे पहले वो ले लो। तो मतलब मैं बोल दूं यहां पे क्या लेने का आपको, सबसे पहले रीसेल प्राइस लेने का। हाँ भाई अब क्या करने का, रीसेल प्राइस में से क्या लेस करने का? तो देखो बेटा, सच रीसेल प्राइस इज रिड्यूस बाय नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। जो नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है अक्रूइंग टू द एंटरप्राइज फ्रॉम द परचेज एंड रीसेल ऑफ सिमिलर गुड्स इन द कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन। मतलब आप अगर सेम कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन करते तो आपका नॉर्मल जीपी कितना होता वो निकाल दो करके, ठीक है। इफ देयर इज नो कंपेरेबल अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन, मान लो ऐसे ट्रांजेक्शन आप कुछ करते ही नहीं हो, तो देन टेक द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द अनरिलेटेड पर्सन फ्रॉम परचेज एंड रीसेल ऑफ द सिमिलर गुड्स। मतलब मान लो आप ऐसे ट्रांजेक्शन करते ही नहीं, तो आपके पास कंपेरेबल ट्रांजेक्शन तो है ही नहीं। तो आप एक काम करो कि आप जिस इंडस्ट्री में हो उसमें दूसरे जो लोग हैं वो जब सिमिलर ट्रांजेक्शन करते हैं तो उनका जीपी कितना होता है। तो मान लो पता चला उनका जीपी 20%, तो आप 20% ले लो। लेकिन एक चीज समझना, सपोज आपका 20% जीपी आया, लेकिन बहुत बार एग्जामिनर इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट दे देता है, जीपी में भी एडजस्टमेंट दे दे। कैसे दे सकता है? कि जैसे आपको ये बोला कि तुम्हारे जो दूसरे ट्रांजेक्शन का जीपी है वो 20% जीपी है, क्या है 20%। अब वो कभी कभी ऐसा दे दे कि सपोज इन दिस केस, मतलब जो केस दे रखा है, जो एग्जाम्पल दे रखा है, जो क्वेश्चन दे रखा है उसकी बात कर रहा है। सपोज इन दिस ट्रांजेक्शन सिंस वॉल्यूम वॉज हाई, सेल का वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, सेल का वॉल्यूम ज्यादा था, सो वी प्रोवाइड द डिस्काउंट सम। एक बात बताओ, सेल वॉल्यूम ज्यादा होगा डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे तो जीपी कम होगा या ज्यादा होगा? कम होना चाहिए। अब सपोज आपको एक ऐसा एडजस्टमेंट दे दे, मधुर ऐसे एडजस्टमेंट देते हैं बहुत बार, कि सपोज इन दिस एग्जाम्पल योर सेल, योर सेल इज इन ह्यूज क्वांटिटी, मतलब 20% वाला जीपी नॉर्मल क्वांटिटी में था, अभी इस केस में आपका जो सेल है वो ह्यूज क्वांटिटी में है और उसकी वजह से डिस्काउंट देना पड़ रहा है, और वो डिस्काउंट का जो वैल्यू है वो 10% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, ऐसा दे रखा है। डिस्काउंट का वैल्यू ग्रॉस प्रॉफिट का 10% है, तो डिस्काउंट का वैल्यू ग्रॉस प्रॉफिट का 10%, मतलब तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना 20% होता है, तो 20 का 10% मतलब कितना हुआ 2। तो मैं बोलू यहां पे आपको जीपी कितना लेना चाहिए? सिर्फ 18%। कितना लेना चाहिए? 18। ऐसे एडजस्टमेंट देते हैं बहुत बार। या जैसे आपको ऐसे एडजस्टमेंट दे दे, सपोज आई कैन टेक वन मोर एग्जांपल, कि सपोज आपको ऐसा इसी में ऐसा दे दे, ऐसा बोले कि नॉर्मल जीपी मार्जिन इज 20%, बट सपोज दे मेड वन एडजस्टमेंट, वो एक एडजस्टमेंट ऐसा दे दे कि इन दिस एग्जांपल सिंस आर लिमिटेड इज आल्सो प्रोवाइडिंग द टेक्निकल सर्विस, और आई कैन से दैट आर लिमिटेड इज आल्सो प्रोवाइडिंग सम नो हाउ एक्सेट्रा एक्सेट्रा,
एंड वैल्यू ऑफ सच टेक्निकल सर्विस या सच सपोर्ट इज 10% ऑफ योर जीपी मार्जिन। तो जीपी मार्जिन अगर वो एक बात बताओ, टेक्निकल सपोर्ट वगैरह आपने को दे रहे तो इसमें अपन जीपी मार्जिन कब लेंगे करके, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसे चीजें आपको दे रखी है, ठीक है, मतलब कुल मिला के मैं बोलूं ऐसे कुछ एडजस्टमेंट दे रखे जिससे जीपी मार्जिन को फर्क पड़ता है, तो उसका भी आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूं, इस वाले जो जीपी मार्जिन पे एडजस्टमेंट है उसको मैं बेटर एग्जांपल मैं आपको दे पाऊंगा जब मैं आपको कॉस्ट प्लस मेथड पढ़ाऊंगा। तो अभी आप यही ध्यान रखना कि कभी अगर मान लो वो जीपी मार्जिन है उस पे ही कभी एडजस्टमेंट हो तो वो भी आपको करने पड़ेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, तो देखो सबसे पहले आप जीपी मार्जिन है वो लेस कर दो, उसके बाद देन रिड्यूस द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एंटरप्राइज इन कनेक्शन विद द परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब परचेज रिलेटेड कुछ खर्चे हैं वो लेस कर दो। द प्राइस सो अराइव्ड एडजस्टेड टू एन अकाउंट ऑफ फंक्शनल डिफरेंस इन द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एंड कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन, ये वाला पॉइंट विच कुड मटेरियल इफेक्ट द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इन द ओपन मार्केट। अगर जो तुम्हारा जीपी मार्जिन है वो जीपी मार्जिन जैसे जो तुमने स्टैंडर्ड जीपी लिया है 20%, वो 20% और तुम्हारा जो ट्रांजेक्शन है एक्चुअल, अगर उन दोनों में कोई फंक्शनल डिफरेंसेस है तो वो जीपी को आपको उतना एडजस्ट करना पड़ेगा, और वो एडजस्ट करने के बाद जो भी आएगा दैट विल बी योर आर्म लेंथ। यू गॉट माय पॉइंट ऑफ व्हाट मैं क्या समझाना चाहता था वो आपको समझ में आया जीपी पॉइंट पे, कि भाई जीपी आपने अदर ट्रांजेक्शन का लिया या अदर इंडस्ट्री का लिया, मतलब आपकी इंडस्ट्री में अदर प्लेयर का लिया, बट भैया वो ट्रांजेक्शन और ये ट्रांजेक्शन में अगर कुछ फंक्शनल डिफरेंसेस है जिससे जीपी को फर्क पड़ता है तो जीपी को उतना एडजस्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। समझा कि नहीं समझा, इज इट क्लियर और नॉट? चलो इसको कॉपी मारो और उसके बाद आगे वाला पार्ट अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप 6-7-8 मिनट में इसको कॉपी करो आराम से और उसके बाद आप घर पे जाओ घर पे, ठीक है। कल रिवाइज करके आओगे जितना पढ़ाया, कल मैं यहां से आगे कंटिन्यू करूंगा।